वेलकम बैक नहीं, अस्सलाम वालेकुम। देखिए बहुत दिनों बाद भंड मारा है, माफ कर दें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पता है ऐसा लगता है ना जैसे आप लोगों से मिलकर अभी कुछ देर पहले ही गई हूँ और फिर आ गई हूँ। वो दिन छोटे हो गए हैं ना, तो इतनी जल्दी जल्दी दिन गुजर जाता है कि पता नहीं चलता। इसलिए मैंने कह दिया वेलकम बैक। लगता है गई नहीं हूँ मैं, यहीं पर थी। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? भाई कल हमारे शो पर आए थे काफ कंगना की पूरी कास्ट, तकरीबन का जो थोड़ी सी कास्ट है वो आई थी, और उसके डायरेक्टर आए थे। मैं आज याद दिला दूं, आज रिलीज़ हो रही है काफ कंगना, और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आज आपको याद दिलाऊंगी कि काफ कंगना ऑल ओवर पाकिस्तान आज रिलीज़ हो रही है, ज़रूर जाके देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। एक ज़बरदस्त फिल्म। अच्छा कल इतनी प्यारी बात जो राइटर आए हुए थे खलील रहमान कमर साहब, उन्होंने कहा औरत में ना तीन चीज़ें होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ तो उन्होंने नहीं बताई, जो दो चीज़ें उन्होंने बताई वो मैं आज उस ये जो आज का शो है मैं उस चीज़ से शुरू करना चाहती हूँ। एक तो औरत को क्या होना चाहिए, औरत को कंजूस होना चाहिए, और दूसरा औरत को मगरूर होना चाहिए। मगरूर इसलिए कि कोई उसकी तरफ आंख उठा के ना देखे, यानी हर वक्त, वरना आपको तो नहीं मतलब कॉलेज जाएं आप, यूनिवर्सिटी जाएं, स्कूल जाएं, प्रपोजल्स तो तब से ही शुरू हो जाते हैं, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप मुझे दोस्ती करेंगी, अगर आप ज़रा मगरूर होंगी, आप अपने नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देंगी, तो किसी मैका लाल की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको आके कोई ऐसी वैसी बात बोले और डिस्टर्ब करे। तो मैं आप लोगों से वो कहानी पूछना चाहती हूँ, जैसे कभी आके किसी ने आपको डिस्टर्ब किया और फिर आपने उसकी किसी लड़के की ऐसी पिटाई लगाई हो। जैसे मैं बस स्टॉप पे खड़ी हुई थी, बस स्टॉप पे आके किसी ने मुझे, पहले की बात है बहुत ना शादी से पहले, मेरी बहन और हम सब, मैं एक साल हमने इंटर में बस में सफ़र किया। अम्मी ने कहा ज़रा बसों में बैठ के तुम लोगों को आदत हो जाने की आने की, ज़रा कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। तो हम आते तो थे गाड़ी में, लेकिन हम जाते थे पब्लिक बस में, G7 होती थी जो PCHS कॉलेज से हमारे घर हमें लाइक मेन रोड पर उतारती थी करीब, तो G7 में बैठ के हम जाया करते थे, मुझे अच्छे से याद है। तो हम बस स्टॉप पे खड़े हुए थे और आके ना किसी बंदे ने कहा उसने आपको रास्ता वस्ता, और उसके बाद ना अपना नंबर देकर चला गया। अरे भाई जो मेरी बहन जो है ना वो मेरी बॉडीगार्ड थी, वो उसने जो बातें सुनाई हैं दुनिया जान की बातें सुना दी। और तो और हमेशा कॉलेज स्कूल लाइफ में भी कॉलेज की लाइफ में भी जब तक मेरी बहन मेरे साथ ही ना, हम लोग एक ही क्लास में, तो वो मेरी बॉडीगार्ड थी, वो मेरा भाई था। तो कोई भी कोई माइकल आके मुझे तंग करता था, कोई भी आके लड़का कोई छेड़ता था, कोई तंग करता था, तो ये वो आस्तीन चढ़ाती थी और कहती थी अच्छा बताओ क्या कह रहे थे। तो सबकी ज़िंदगी में इस तरह कोई ना कोई उनका सिक्योरिटी गार्ड होता है। अब मुझे आपसे ये सवाल करना, आपकी ज़िंदगी में आपका सिक्योरिटी गार्ड कौन रहा है? हमेशा माइक लें और मुझे बताइए। हाँ कौन? हमारी दोस्त होती थी साथ, अच्छा बहुत फंटर थी, एक नंबर की फंटर। वाह अच्छा, फिर कोई भी लड़का आया और सुनी दोस्ती करेंगी? कॉलेज जाती थी तो पीछे पीछे लड़के लगते थे, सीटी मार रहे, कभी आप बहुत अच्छी लग रही, बहुत प्यारी लग रही हैं, और अपना नंबर दे दे, कहाँ रहती हैं आप, और पीछे पीछे आ जाते थे ये लोग, हम लोग अपने आपस में बात करते रहते थे। तो मैं कहती थी देखो ये पीछे कर रहा है लड़का, तुम देखो तो सही कौन है। कह नहीं, देखती थी, कहती थी तुम्हारी माँ बहने नहीं है, तुम पीछे आ रहे हो, ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ बहनों के साथ भी ऐसे ही होगा। ये तो सही इमोशनल पूरी तकरीर कर दी, अल्टीमेटम देते हैं। सुने हमें धमकी में वैरायटी लानी चाहिए, हम हमेशा ही कहते हैं तुम्हारी माँ बहन नहीं है, और किसी ने जवाब में एक दफा मैंने भी कहा तुम्हारी माँ बहन नहीं है, तो कह रहे हैं वो है, वो घर पे है। इतनी जवाब ऐसे थे, हाँ वो माँ बहन तो है लेकिन वो घर पे है। मतलब लड़के भी अजीब जवाब दे देते थे, शर्म नहीं आती? जब इसने कहा तो फिर वो लगाई थप्पड़ लगाई उसकी, थप्पड़ लगाई जी,
ओए होए होए, जब मैं कैरी फंटर थी एक नंबर की। वो ये कुछ दोस्तें होती हैं जो आपको इस तरह यूं समेट के रखती हैं परों के अंदर। और है किसी के पास ऐसा सिक्योरिटी गार्ड जो औरत ही हो खास तौर पर? हाँ जी, मैं तो खुद ही एक फंटर थी। अच्छा, मैं हमारी दोस्तों का एक ग्रुप होता था। हाँ, तो वही जो आपने कहा कि बहुत अच्छी लग रही हो और ये वो सबके हाँ, साथ हाँ। तो सबका ये था कि जी शायदा को बोल दो, ये शायदा सामने आ जाएंगी। हाँ, तो किसी ने उसको छेड़ा होगा तो मुझे आगे बिठा दिया गाड़ी में कि आप आगे बैठ जाओ। हाँ, मैंने कहा आने दो सामने। हाँ, वो लड़का आके बैठ गया उसी तरह छेड़छाड़। अब वो जब मुझे भी देखने लगा, हाँ, मुझे भी अपना इशारे करने लगा। हाँ, मैंने उसको अपनी आँखें जो है भेंगी करके दिखा दी। आके महंगी करके दिखा दी, उसके बाद वो एकदम से झटपटाया कि ये क्या हो गया। हाँ, फिर उसके बाद मैंने खुद बोला, मैंने कहा इधर आ जाओ बेटा। हाँ, हालांकि उस वक्त बिल्कुल कॉलेज लाइफ थी। और आपने बोला इधर आ जाओ बेटा। बेटा क्या बात है, मैंने कहा इधर आ जाओ बेटा तुम। तब वो घबरा रहे कि तो अभी तो आंखें महंगी थी और अभी सही हो गई। मैंने कहा ये जो ना हरकतें छोड़ दो। हाँ, ये पहले मेरे से वास्ता पड़ेगा फिर इनके पास जो है ना जाना। बस उसके बाद उसने लोगों से कहा कि भाई माफ कर दो, ये इनसे मुझे माफी करा दो, इनसे माफी दिला दो। हाँ भाई, और है किसी जी सब मजा आता है ऐसी बातें करने में पुरानी पुरानी। हम लोग कहीं पर भी जाते हैं ना तो बहनें भाभी सबके पता कहते बाजी को आगे रखो। तो एक दिन ये हुआ कि ना मैं आगे थी, बच्चों को पकड़ी हुई थी उनके। हाँ, तो पीछे से ना भाभी को किसी ने ना यहाँ से ना चींटी काट ली। वो इतनी जोर से चींटी पलट के देख, मैंने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कुछ तो हुआ है, मैंने कहा बताओ क्या हुआ है। तो मैं डांटने लगी थी, कह रहे बाजी वो जो ना उसने जो ना लड़के ने मुझे छुट्टी काटी। मैं गई उसको आराम से जाके पीछे से पकड़ के दे दनादन चप्पल उतार के वहीं पर मारना शुरू कर दी। यानी कि आप भी अपने घर के सिक्योरिटी गार्ड? सब से डरते हैं, गली में भी लड़कों को मैंने जाके मारा है। अच्छा, क्यों? आके ना दरवाजों के पास ऊपर शीशे लगे हुए, जाके ना पत्थर फेंकना। मैंने कहा बेटा ये जगह नहीं है, क्रिकेट खेलने की जगह है। हाँ, और बोले बाजी बॉल आई। तो मैंने कहा इंसानों के जैसे बेल बजाया कि आप बॉल मांगो, ये क्या कर। एक दफा से मैं दो तीसरी दफा मैं गई लंगे पैरी गई और नीचे जाके दे दनादन उसको गली में कूटना शुरू कर दिया। बड़ी कूटने वाली खवातीन आई हुई आज, अल्लाह रहम करे। हाँ भाई, और है किसी के पास कोई किस्सा मजेदार? अरे वाह, आप भी बोली जी। नहीं, मुझे तो खैर कोई क्या छेड़ेगा, मैं तो मतलब वो नहीं हूँ। लेकिन हाँ, रॉन्ग नंबर नहीं, कभी नहीं छेड़ा। लेकिन रॉन्ग नंबर से जो है ना, मैंने लड़कियों की जान छुड़वाई जरूर है। हाँ? क्योंकि मेरी आवाज ऐसी है कि जेंट्स बोल रहा है वो लड़ता रहता है मेरे से, वहां से अभी किसी को दे दे। अच्छा, जैसे जरा हेलो बात सी लड़ाई होती है, मेरी आवाज ऐसी। चलिए जरा प्रैक्टिस करते ना। हेलो हेलो, वो सानिया है? नहीं, कोई भी नहीं है। आप सानिया के भाई बोल रहे? नहीं, मैं सानिया बोल रही हूँ। लड़का पहले ही, ये तो वही हो गया, तेरी मेहरबानी। सीरियस बता रही हूँ, वाकई मैंने बहुत लड़कियों की जान छुड़वाई है। हाँ, जो राउंड नंबर इतना तंग करते हैं तो उनको मैंने कहा बस मुझे दे दो। फिर आपने याद दिला दिया कि मर्द हो तो ऐसा है ना। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आज आपको बहुत ही प्यारी सी पर्सनैलिटी से मिलवाने वाले हैं, उनसे बातें करेंगे। पहली दफ़ा हमारे शो पे आएंगी, मैंने बहुत सारे उनसे सवालात करने हैं, उनके बारे में खुद भी जानना है, आपको भी बताना। आप उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें जब मैं करती हूँ ना, वो तो दिमाग में आपके सवाल भी नहीं आते। तो आइए एक खूबसूरत सी सुबह आपको वेलकम करते हैं और बहुत अच्छा सा शो करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। अब तो सही बोल रही हूँ ना, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं आपको एक बहुत ही ख़ास गेस्ट से मिलवाना जा रही हूँ क्योंकि वो मेरे शो पे पहली दफ़ा आई हैं। एक्चुअली उनका काम है न्यूज़ आप तक पहुँचाना, मगर फिर भी वो न्यूज़ पहुँचाते पहुँचाते इतनी कोई आपके दिल में उतर गई कि वो आपकी फेवरेट न्यूज़ एंकर बन गई। और उसके बाद फिर उन्होंने रमज़ान की ट्रांसमिशन भी की और भी होस्टिंग में वो आपको नज़र आई, क्योंकि उनके बोलने का तरीका, उनका चेहरा, वो सब ऐसा है कि लगता है कि आपकी कोई अपनी है वो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बड़े दिनों से हम उनके पीछे लगे हुए थे कि भाई आ जाए हमारे शो पे एज अ गेस्ट,
इंटरव्यू दें हमें, और फिर बहुत सारी खबरें, उनकी शादी हुई, उनका बच्चा हुआ, इतनी सारी खबरें जमा हो गई थी, सब कैसे, कहाँ, कब, क्या, ये कैसे हो गई चीज़ें. तो बहुत ही प्राइवेट उनकी पर्सनालिटी है, मगर आज वो हमारे शो पे अपने हस्बैंड के साथ आ रही हैं. तो आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट होस्ट, न्यूज़ एंकर राबिया अनम अपने हस्बैंड उबैद रहमान के साथ. आप दोनों जो है लाइक कजिन्स है क्या, शक्लें भी मिलती है? ओह, वो मैंने सुना है ना, हेरा कह रही थी ना मेरी और मानी की शक्ल मिलना शुरू हो गई, तो मेरी और उबैद की भी टाइम के बाद मिलना शुरू हो गया. इतना टाइम कहाँ हुआ है उबैद, कितना हो गया शादी को, कितने साल हो गए? मोर देन 2 इयर्स नाउ. मोर देन 2 इयर्स, माशाल्लाह. मिले कहाँ थे आप लोग, कैसे, ये पता कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि राबिया और उबैद किधर मिले और कैसे शादी हुई? अच्छा, मैं और उबैद, उबैद लिव्स इन दुबई. अच्छा, तो मैं दुबई गई थी अपनी एक मीटिंग के लिए और कुछ शॉपिंग ट्रिप के लिए. अच्छा, सो हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड है जिन्होंने डिनर पे बुलाया हुआ था, सो उबैद वाज आल्सो देयर एंड आई आल्सो वेंट देयर. एंड बस जब मैं वापस आई तो उसने रिश्ता भिजवा दिया. सो दैट्स व्हाट हैपेंड, आई थिंक विद इन 1-2 मंथ्स. अच्छा, तो उबैद आपके घर वाले भी कोई लड़की ढूंढ रहे थे उस वक्त क्या? मेरी मदर की साइड से ऑब्वियसली ख्वाहिश थी कि जितनी जल्दी शादी हो अच्छा है, बट आई वाज नॉट रियली अप फॉर मैरिज एट दैट टाइम. लेकिन बस वो कहते ना कि जब वक्त होता है और जब कोई अच्छी लगती है, जब दिल में घंटी बजती है, वही वाला. आंटी जो मेरी मदर इन लॉ है वो बहुत पीछे पड़ी रही उबैद के शादी कर लो, और उबैद ने एक दफ़ा इतना गुस्सा कर दिया कि वो बहुत अपसेट हो गए. उसके बाद उन्होंने कहा मैं अब कभी इससे शादी करने का हूँ. फिर कुछ देर बाद लड़का खुद आया कि अम्मी शादी करवा दें. अच्छा, तो हो गई शादी. अच्छा, तो आपने इनको देखा, आपको देखते ही लगा कि ये शादी मटेरियल है, बस अब फौरन रिश्ता भेज दो, वरना कुछ और बोलो कि दोस्ती वोस्ती का तो कभी पिटाई ना लग जाए. नहीं, एक्चुअली पता नहीं ऐसा कुछ हो जाता है खुद ब खुद आपके अंदर, चीज़ें मतलब डेवलप होती हैं और खुद ब खुद चीज़ें हो जाती हैं. कनेक्शन डेवलप होता है और आप पेरेंट्स से बात करते हैं और सब ऐसा रास्ता बनता है कि आप हैरान हो जाते हैं कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं शादी करूँ उस टाइम पे. ना कैसे मनाया पहले, जब रिश्ता भेज दे डायरेक्ट या फिर? अच्छा, मैं मान गई थी, मैं नहीं कहूँगी बड़ा मुश्किल. मेरे घर वालों को मनाना मुश्किल था, इट वॉज अ टफ टास्क, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत अरसे से और बहुत सारे उम्मीदवारों को सामने ला चुके थे. तो अच्छा, मुझे निदा हमेशा से ना बहुत जब से ये टीवी वाला काम शुरू हुआ ना, तो शादी से थोड़ा डर लगता था कि पता नहीं ऐसा ना हो कि कोई इस वजह से शादी कर रहा हो कि मैं टीवी पर आ रही हूँ. या तो उबैद को पता ही नहीं था कि मैं टीवी पर आ रही हूँ. He had no idea I'm an anchor. कि यहाँ तक हुआ कि हम जब डिनर पर बैठे थे तो किसी ने टीवी की बात की, तो उबैद ने कहा सो यू कम ऑन टीवी? सो मैंने कहा नो, माय सिस्टर कम्स ऑन टीवी. तो ये मान गया ये बात. आपको थोड़ा सा मामू बनाया है. नहीं था, सो दिस रियली हेल्प. मुझे लगा कि ये तो कोई सीन नहीं है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो होता है ना कि तो बस वो मुझे था कि अब ये तो नहीं है कि इसको इस वजह से मैं अच्छी लगती हूँ कि मैं टीवी पर आ. सो वो बस फिर ये क्लिक कर गए. और फिर कितने लाइक कितने अरसे में शादी हुई, कितने अरसे में बात? आई थिंक 6 मंथ्स में तो हमारा निकाह हो गया था और फिर निकाह के तकरीबन 1 साल बाद शादी हो गई. तो फिर आप लोग दुबई से इधर शिफ्ट हो गए? अभी भी उबैद दुबई में ही रहते हैं और मैं दोनों जगह रहती हूँ. मतलब मैं 1 महीना वहाँ, 1 महीना यहाँ. अच्छा, क्योंकि यहाँ जाहिर है मेरा काम भी है. पूरा रमजान मैं इधर रहती हूँ, तो जा रहा हूँ उबैद से, बस ईद पे मुलाकात होती है. लेकिन आपको होता है कि
साथ गुजारे रमजान तो मैं मिस करती हूँ. किसी दिन आप छुट्टी लेके आते. ये आए थे अभी पूरा लास्ट अशरा रमजान का उबैद ने मेरे साथ ही गुजारा था. अच्छा. सो लेकिन वो भी अफतारी तो साथ नहीं हो सकती. मैं अफतारी वहाँ कर रही होती थी. टीवी के थ्रू हमारी अफतारी साथ. मतलब आपको नर्वस पहली दफा पेरेंट्स से टीवी पे आप किए. एक्चुअली नहीं, शाइस्ता तो हमारी शादी करवा चुकी है. शाइस्ता एक हमारा मायो मेहंदी चीज करवा रही थी. अच्छा अच्छा. आज उबैद में जाते हुए कह रहे थे निदा हमारी शादी तो नहीं करवा. देख ले दूर दूर तक उसने चिली लाइट्स लगाई हमने बात. और कुछ नहीं बल्कि उबैद सेड व्हेन आई टोल्ड उबैद दैट वी आर गोइंग टू निदा शो सो यू हैव टू कम दुबई से ही केम हियर. सो ही सेंट मी अ मीम जिस पे लिखा हुआ था वो जो शहजादा शहजादी आए निदा रिकॉर्ड लगता नहीं बड़ा मजा आता कोई बात नहीं. अच्छा अच्छा वैसे उबैद क्या करते हैं. उबैद किस फील्ड में है आप. तो न्यूज़ और एयरलाइंस में हूँ. अच्छा. और मैं जनरली फाइनेंस साइड पे हूँ. अच्छा. ही इज नॉट द पायलट. आई एम नॉट द पायलट. या ग्राउंड पे होते हैं. जब मैंने शादी का वो करी था वो पोस्ट किया तो लोगों ने इसको ढूंढ लिया. हाँ. और इसके लिखा हुआ था एमिरेट्स. सो सबने कहा कि राबिया इज गेटिंग मैरिड टू अ पायलट. क्योंकि सबको लगता है कि वहाँ से पायलट होते. मैंने भी कहा हाँ हाँ ठीक है बोल दो पायलट. आई डोंट माइंड. अच्छा. तो वैसे उबैद ने क्या पढ़ा हुआ है. लाइक फाइनेंस में कुछ किया हुआ है. मैंने अकाउंट्स की चार्ट अकाउंट्स की बेसिकली एसोसिएट सर्टिफाइड चार्ट अकाउंटेंट. तो इतना पढ़ा लिखा है. बहुत बीवी भी पढ़ी लिखी है भाई. बहुत न्यूज पढ़ती है. मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूं. बहुत पढ़ती रहती. नहीं उर्दू का तलफ्फुज उबैद का सही करी. उबैद का उर्दू का तलफ्फुज बहुत बुरा है. उबैद उर्दू पढ़ भी नहीं सकता है सही. हां तो ये तो कर रही होती होगी सही. सिंधी है तो सिंधी बहुत अच्छी बोलती. मैं भी एक बार ट्रे तो कह ही लेती. मेरे मियां भी सिंधी है. वो 17 साल हो गए बेचारे मुझे कायदा पढ़ाते हुए. आपके मियां को और दानिश भाई को. दानिश भाई तो शादी पे भी आए थे मेरी और उबैद की. उनको उबैद की खाला ने पढ़ाया है स्कूल में. अच्छा. अगर मुझे बताएगा कितने नंबर आते थे. हाँ, नहीं, 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 वो उबैद की खाला ने पकड़ लिया था दानिश भाई को शादी में. हाँ. तो फिर दानिश भाई कहते हैं हाँ कहाँ से मेरी टीचर्स मिल गए आज मुझे. सारे कच्चे चिट्टे खोले हो गए. अच्छा. तो आपकी अम्मा अब्बा को जरा मनाना मुश्किल हो रहा था थोड़ा ना. कि नहीं मेरे अम्मा मान गई थी. बिकॉज मेरी अम्मा वॉज ऑलवेज she always told me कि तुम्हें पसंद आ जाएगा जब तुम कह दोगी कि हाँ ठीक है तो फिर हम भी मान जाएंगे. तो राबिया को उबैद में क्या चीज अच्छी लगी जो बाकी सब लोगों को रिजेक्ट करके राबिया ने हाँ कर दिए. सब नंबर वन ही इज नॉट मटीरियलिस्टिक. अच्छा. से कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ. कि कोई सामने वाला बंदा क्या चीज है. हाँ. उसके पास कितनी दौलत है. उसका हाँ. कैसा घर है. उसकी हाँ. कौन सी गाड़ी. सो दैट वॉज नंबर वन. नंबर टू दैट he's very respectful towards everyone. He's so respectful and caring towards his mother. To jab maa ke liye insaan bahut pyar rakhta ho na to fir usko biwi fir sari auraton ke liye hota hai aur ye izzat bahut zyada karta hai. To ye aajkal badi kam milti hai. Aajkal log izzat kar bhi rahe hain aurat ki to bade kisi ehsaan ke sath karte hain. Main to ji aurat ke liye line जो है ना वो कह देता हूँ कि आप आगे चलिए. उबैद वाज ऑलवेज वेरी रिस्पेक्टफुल. तो ये दो तीन चीजें तो नंबर वन थी. लालची नहीं है. गुड मैन. आपकी बेबी का नाम क्या है. हमारी बेटी का नाम है अनाबिया. अनाबिया का क्या मतलब. अनाबिया एक जन्नत का दरवाज़ा भी है. हाँ. और ये उबैद ने ही नाम रखा. हाँ. मैं व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग तो मैं उबैद से कह रही थी कि बस तुम नाम सोच लो. हाँ. जब मैं मुझे पता चल गया था कि जेंडर के बेटी है तो उबैद कहता है जब मेरी गोद में आएगी ना तब मैं नाम डिसाइड करूँगा. अब मैंने कहा तुम गोद में आके तुम्हें कोई ऐसा वैसा नाम दिल में आ जाए तो मेरा क्या बनेगा. तो फिर यही हुआ. इनफैक्ट वी वर इन द हॉस्पिटल और उबैद जो है ना सामने बैठा हुआ मोबाइल में देख के ये नाम ठीक है. हाँ. नहीं नहीं अच्छा नहीं. अच्छा ये नाम ठीक है. हाँ. और सुबह के मेरे ख्याल में 6 बज रहे थे. हाँ. फजर की अजानी हो रही थी. मैं हॉस्पिटल में सामने ये बैठ के मुझे कहता है अनाबिया ठीक है. अनाबिया रख रहे हैं. हाँ. तो आपने लुगत वगैरह में देखा था अनाबिया. नहीं मैंने तो बस वेबसाइट पे देखा था.
मेरा जो कॉन्सेप्ट था कि मीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं नाम नहीं देख रहा था, मैं मीनिंग्स देख रहा था. अच्छा. तो मैं जब मीनिंग्स को थ्रू आउट देखे जा रहा था, तो वहाँ पे लिखा है अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला. तो मुझे वो मीनिंग इतना पसंद आया, और मैंने जब नाम देखा तो नाबिया लिखा था उसमें. तो वो बाद में मुझे फील हुआ कि राबिया से भी कनेक्ट हो रहा है अनाबिया, अनम और राबिया से कनेक्ट हो गया अनाबिया. वो इंटेंशनली वो नहीं था वो, लेकिन वो मीनिंग इतना मुझे अट्रैक्ट किया कि मुझे फिर पर्सनली फील होता है कि आपके नाम का मीनिंग पर्सनालिटी पे भी इम्पैक्ट आता है, और आपको बहुत सोच के नाम रखना चाहिए और टाइम देना चाहिए. नाम चेंज करवा लेते हैं. मैं बड़े सारे लोगों से मिली हूँ जो पहले किसी के, मेरी कजन के उनके पेट में हमेशा दर्द रहता था, तो उनके अम्मा अब्बा ने उनका नाम चेंज कर दिया. मैंने कहा ये पेट में दर्द का नाम से क्या ताल्लुक. अच्छा, मैंने ये बात पेट का दर्द सही हुआ. हाँ, अच्छा, वो तो बड़ी हो गई थी ना, वो पेट के दर्द थे बचपन वाले, जो हर बच्चे को पढ़ते हैं, बच्चे को होते हैं, जिनको स्कूल में व्हाइट वाली गोलियां दे देते थे, सही हो जाएंगे, और हो भी जाते थे. ये बात मैंने ऑफिस में किसी को बताई कि हम लोग क्या नाम चेंज करते हैं, इस तरह की पर्सनैलिटी अगर आपकी मैच नहीं हो रही हो, तो बोलते हैं ये पाकिस्तानी थिंग है, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी हैव हर्ड ऑफ. यूके से उन्होंने कह रहा है आई हैव नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, इट्स अ पाकिस्तानी थिंग. तो मैंने कहा शायद अब मुझे रियलाइज हो कि शायद पाकिस्तान में होता है कि पेट में दर्द है तो नाम बदल लेंगे. हां, देखिए ना, ये पूरे आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उस पे नाम कुछ और है, और पेट के दर्द की वजह से नाम कुछ और हो गया पूरी जिंदगी में. पर्सनैलिटी बड़ी बोल हो जाती है ना, है ना, पेट का दर्द सही होना चाहिए, बाकी नाम तो ये जरूरी है. अच्छा, बेटी कितनी बड़ी हो गई माशाल्लाह? सवा साल की हो गई है माशाल्लाह. हमने 14 सितंबर को उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की, सो दैट वाज आल्सो वेरी एक्साइटिंग. चलना शुरू किया उन्होंने? चलना तो उसने माशाल्लाह माशाल्लाह 8 months 9 months की थी, उसने चलना शुरू कर दिया था. अपने तो बोलना भी बहुत जल्दी शुरू कर, वो उसने बोलना शुरू कर दिया. अब उसने फर्स्ट वर्ड सीखा आए, आए, तो अब वो हर चीज को यानी मम्मा वगैरह नहीं, माँ नहीं, वो पहले तो बाबा और रोते हुए मामा से. अच्छा. रोते हुए मामा मामा होता है. अब उसने आए सीख लिया है, तो वो जब सुबह उठती है तो यूं देखती है मुझे, कहती है आए आई आई, यानी अब हर चीज आई हो गई. ओह माय गॉड. सो अभी तो यस, उसका वो वाला फेज है जब वो हर चीज सीख रही है, कॉपी कर रही है. तो बैस जाहिर है आप दुबई में होते हैं, और अब जैसे चले बेगम तो इधर है ही, लेकिन बेटी भी इधर, तो फिर नहीं भड़क होती कि किसी तरह मैं उड़ के पहुंच जाऊं जल्दी? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर महीने कोई ना कोई ट्रैवल कर ही रहा होता है. जैसे मैं अभी 2 दिन के लिए भागम भाग होके आई, मतलब हम लोग फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं. अनाबिया तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो गई है बेचारी, जब से पैदा हुई कोई तब मैं उसको लेकर गई. आपको तो टिकट भी फ्री होगा ना? यही कहा कि बात सुनो तुम, हम इतना जो है ना सदर तक नहीं जाते जितना तुम दुबई से होके आ जाती हो. मैं वाकई थर्सडे को या फ्राइडे को मैं गई, और मैं संडे मॉर्निंग वापस आ चुकी थी. सो ऐसे ही उसने मुझे कॉल की, और वो कॉल लग गई, तो उसने बोला तुम वापस आ गई. मैंने कहा कि मैं सदर नहीं जाती इतना दुबई से होके आ जाती. सो अनाबे को तो अब आदत हो गई है, वो तो अब होस्टेसेस वगैरह को देख के ना फुल रिलैक्स रिलैक्स रहती है. अच्छा, दोनों की पर्सनैलिटी में ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी किसकी है, ज़्यादा काम पर्सनैलिटी किसकी है? ये बहुत काम है. अच्छा. हाँ, I feel के आप देखने में भी लग रहे हैं वैसे. ये तो भी बहुत शरीफ, टीवी पर बहुत शरीफ बन जाते हैं. मैं सही बता रही हूँ. तुम बहुत शरीफ हो जाते हो टीवी पर जाके. नहीं, मेरे ख्याल से शादी के बाद ज्यादातर जो है ना मेल साइड जो काम हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें ज्यादा भलाई इसमें ज्यादा भलाई की, क्योंकि आई फील एक बंदे को थोड़ा काम होना चाहिए, अगर कोई दूसरा हाइपर हो तो इसी तरह चलता है. कभी अगर अगर कभी मैं हाइप्ड होऊंगा तो ये भी काम रिएक्ट करती है. वी हैव डिसाइडेड वन थिंग शादी से पहले ही, कि अगर किसी एक को गुस्सा आएगा तो दूसरा फॉर एनी रीजन गुस्सा नहीं करेगा. सो इससे ना हमारी बहुत सिचुएशन हमेशा तो लड़ाई नहीं होती. कोई कभी इस तरह का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ. अगर मुझे किसी चीज़ का कुछ होता है तो उबैद वुड नेवर से एनीथिंग. अगर उबैद कुछ कहता है आई जस्ट स्टे साइलेंट, आई नेवर आर्ग्यू. या हम किसी बाद में हम कर लेते हैं जब अच्छा मूड होता है, तो हम एक एक घंटा किसी चीज़ पे करते हैं आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन बुरे मूड के साथ बात नहीं करते कभी. ये बहुत अच्छी बात है. तो अच्छा, आपको राबिया में सबसे प्यारी चीज क्या लगती है इसके फेस में? कभी तो होता होगा ना. ये प्यारी तो बहुत है. तो मैं लाल बालों पे बातें सुन रही हूं. तुमने मेरे आने से एक दिन पहले बाल क्यों लाल किए? मैंने कहा यार, मैंने क्योंकि मेरा सैलून बन रहा है तो इतनी सारी मजे मजे की चीजें हो रही हैं. किस नाम से सैलून? राबिया अनम सैलून एंड स्पा.
तो मैंने जो मेरी हेड हेयर स्टाइलिस्ट है उससे मैंने कहा यार कुछ बस मैं क्योंकि मुझे ना कुछ बालों में मज़े का करने का बहुत अरसे बचपन से शौक था लेकिन मैं बचपन से टीवी पर आ रही थी तो आप न्यूज़ में या शोज़ में नहीं कर सकते ऐसा मैंने कहा मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिला हुआ है तो प्लीज़ कुछ मज़े का कर दो उसने ये कर दिया पहले मैंने सोचा मैं इसको पिक्चर भेजी तो मुझे कहते हैं मतलब जिस दिन मैं आ रहा हूँ उस दिन ये करने की क्या जरूरत मर्दों को लाल और ये ब्लॉन्ड बाल क्यों नहीं पसंद आते ये तो अपनी दोस्तों को इतना बाल लाल और ब्लॉन्ड पर तंग करता है कह रहा है मैं क्या मुंह दिखाऊं मैं लुमका मजाक उड़ा तो मैंने कभी अपनी लाल बाल की रखी नहीं सकते पर जब आपको आपको बता दूं लाल बाल इतनी आसानी से नहीं ब्लैक और ब्राउन होते बताया कि नहीं मैं एक हफ्ते के बाद कर लूंगा करना भी नहीं पड़ेगा बिकॉज ये तो वॉश आउट कलर होता है ना तो ये एक हफ्ते के अंदर अंदर गायब मेरा तो जब तक बहुत दिन बाद निकला था उबैद के बिना करवा देंगे मैं तो उबैद चार्ज गई थी दोनों रेड करके जाते हैं निदा के शो में अच्छा लगेगा जब मैं मेंटर होंगे मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि जितना इंसान नेचुरल और ओरिजिनल रहता है ना उतना अच्छा लगता है यानी कि आप चाहते हैं कि राबिया कभी बाल डाय ना कराए कोई कोई भी कलर नहीं मैंने कराती रहती हूँ डाय बट बहुत हमेशा नेचुरल शेड्स अच्छा इसके समय तो मेकअप करके भी नहीं आती अच्छा उसको इतना नो मेकअप पसंद है अच्छा बिल्कुल कुछ ना हो कुछ ना मेकअप वैसे मैंने नोट ये किया सीरियसली मैं आपकी बात नहीं उबैद नहीं जैसे यासिर को भी ना ज्यादा मेकअप कर लूं तो मुझे यासिर भाई को भेजा अल्लाह हू अकबर ये ओनली यासिर भाई फॉर यू दिस मैंने उसे यासिर भाई को भेजा इनविटेशन ओपनिंग का तो उसमें मैंने लिखा हुआ था फ्री स्पा सर्विसेज तो कहते हैं यस मैंने कहा एडिट फ्री स्पा सर्विसेज फॉर ओनली भाभी कहता ओहो मुझे आज सुबह इसने बताया कहलगत मैं आज शो पे गेस्ट कौन मैंने बताया राबिया उनके हस्बैंड तो कहने लगे अच्छा उन्होंने स्पा खोला है लेकिन मेरा दिल टूट गया क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे लिए है मैंने कहा इट्स एडिट इट्स ओनली फॉर निदा भाभी कहता ओहो यार सो यस उबैद के लिए नहीं है Ubaid has to go somewhere else. अच्छा तो ये आइडिया कैसे आया कि मैं सैलून और स्पा करूँ सैलून मैंने तकरीबन 2.5 साल पहले खोला था अच्छा वो इसलिए निदा क्योंकि हमारा आपको पता है रोज़ मेकअप होता है रोज़ हेयर होता है हाँ. तो मैं जब सैलून जाती थी मैं वहाँ जाकर देखती थी मैं खुद अपनी चीज़ें खरीद कर लाती थी दुबई से सारा मेकअप प्रोडक्ट्स हेयर के स्प्रेज भी तो ब्रशेज भी आपको पता है क्या हालत होती है पीछे तो मुझे होता था कि मेरा सब सामान अलग हो तो मैं जब यहाँ आके देखती थी जिस किस्म की चीज़ें यूज़ कर रहे होते थे जिस किस्म के प्रोडक्ट्स सैलून पे औरतों को लगाए जा रहे होते थे और औरतों को नहीं पता ना जब आप उनको अवेयरनेस ही नहीं देंगे तो आप लोगों के शोज से पता चलना शुरू हुआ है कि बड़े ब्रांड्स हैं उनको भी यूज़ करना चाहिए और बड़े अच्छे यूज़ कर रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट तो मुझे बड़ा इसका मुझे लगता था इसकी कमी है सो फिर मैंने स्टार्ट किया और मैंने पहले इसको आसानिया के नाम से स्टार्ट किया अच्छा, था आसानिया क्योंकि मैं चाहती थी कि पता चले कि मैं थोड़ी ज़िंदगी में आसानियाँ लाना चाह रही हूँ फिर ज़ाहिर है हमारी मार्केटिंग की पूरी टीम ने PR ने सब ने ये डिसाइड किया कि वी शुड रीनेम इट टू राबिया अनम सैलून स्पा क्योंकि हम बहुत बड़ा खोल रहे थे अब हमने बहुत बड़ी ब्रांच खोली है अच्छा तो किधर है ये इट इज़ एट बुखारी कमर्शियल BHA पर सो बहुत बड़ी ब्रांच है बहुत अच्छी चीज़ें हैं उस पर और वही वाली बात मैं क्योंकि दुबई में तकरीबन हर सैलून जाती हूँ तो मैं वहाँ हर चीज़ पिक करती हूँ कि ये यूज़ होना चाहिए ये यूज़ होना चाहिए तो बस वो समझें कि एक दुख था मुझे अपने लिए कि मैं मुझे वो अच्छा कोई लेवल का सैलून नहीं मिलता था तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको शुरू करूं और जो चीज़ें मैं खुद यूज़ कर रही हूं वो मैं सबको भी दिखाऊं कि यार इतनी अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं क्योंकि आप यकीन करें द डे आई डिसाइडेड कि मुझे ऐसा करना है मेरी एक फ्रेंड ने एंगेजमेंट मेकअप एक बड़े रिनाउंड सैलून से करवाया था और एंगेजमेंट के दो दिन बाद शी हैड एक्नी ऑल ओवर हर फेस ओह माय गॉड बिकॉज़ समहाउ उसे या तो कोई एक्सपायर्ड वो जो स्टिक्स लगाते थे वो लगा या जो भी उसको किया होगा एंड इट्स अ वेरी रिनाउंड वेरी नाइस सैलून तो ये भी नहीं कि उनके शायद हर बंदे को ये हो जाता हो लेकिन उसको हो गया था तो मुझे बड़ा एक लगा कि यार ये कितनी गलत बात है किसी की आप स्किन बर्बाद कर दें या कुछ कर दें सिर्फ चंद रुपए बचाने के लिए सो बस फिर मैंने जो मेरे पास बहुत मेकअप की चीज़ें होती थी अभी भी बहुत ज़्यादा हैं तो बस वहाँ से शुरू किया और
अब इतना बड़ा हो गया। खुद भी करती है मेकअप? मैं खुद भी मेकअप करती हूँ, बट ज्यादा मैं कंसल्टेंसी करती हूँ, क्योंकि मेरी मेकअप की एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं सायमा, वो करती हैं, और मैं सारी कंसल्टेंसी करती हूँ ब्राइड्स की, कपड़ों ज्वेलरी हर चीज से लेकर, बिकॉज हमें थोड़ा निदा एक सेंस आ गया कि क्या पहनना चाहिए, कैसा मेकअप होना चाहिए, बाल कैसे होने चाहिए। सो फिर मैं यहाँ तक बताती हूँ कि आप फलां डिजाइनर के पास चले जाएं या इस जगह चले जाएं, यहाँ से फोटो शूट करवा लें। तो वो मैं पूरा सब कुछ लड़कियों को समझा देती हूँ, जो चीजें मेरे पास से नहीं भी हो रही होती कि मैं तो फोटोग्राफी इस चीज में तो आप कोई मशवरा नहीं दे सकते काव्या को, नहीं मुझे देता है फाइनेंसेस में, म्यूजिक के लिए इसको मशवरा देता हूं, म्यूजिक के लिए म्यूजिक कौन सा यूज होना चाहिए, सैलून पे कौन सा लगना चाहिए, पूछती रहती है कि कौन सी लेटेस्ट सॉन्ग्स है, मुझे भेजते रहो तुम लिंक्स वगैरह। बताता है कि इसको इस तरह से लेकर चलो तो ये अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं तो इसे कहती हूँ नौकरी छोड़ो मेरे साथ, सॉरी मैं नहीं कर सकता। अपने उनका अपना बना मैंने करियर, तुम मुझे जॉब पे रखना चाह रही हो बेसिकली, मार्केटिंग हेड ना बना लूं या फाइनेंस हेड, कह रहे तो मैं तुम्हारी नौकरी करूं तुम्हारे साथ। मैंने कहा नहीं नहीं अच्छा तुम सीईओ बन जाओ, कह रहे सीईओ भी नौकर होता है। सारे नौकर होते हैं, ओनर तो तुम ही हो ना। मैंने कहा हां ये तो है। और बहुत मजे मजे की बातें हम कर रहे हैं, राबिया अनम और उबैद हमारे साथ यहाँ मौजूद है। राबिया अनम ये नाम अभी तक क्या उबैद? राबिया अनम उबैद हो गया, राबिया अनम उबैद थोड़ा इसका तो नाम है उबैदुर रहमान शरीफ, और जोखियो भी है वैसे तो, अगर मैं तो अगर मैं पूरा नाम लगाती तो अभी राबिया अनम उबैदुर रहमान शरीफ हो जाता, खत्म हो जाता नाम लेने में। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज निदा यासिर राबिया और उबैद के साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्योंकि हमारे पास दो सोफे हैं तो हमने कहा इस सेगमेंट में गेस्ट को देखना चाहती हूँ मेरा कौन सा साइड खूबसूरत है। वैसे मुझे ज्यादातर मेरे गेस्ट इधर ही बैठते हैं, अच्छा तो, लेकिन यहाँ मैं देख रही थी कि बात करने में ज्यादा आसानी होती है, सुनाई है करीब है ना ये तो वहाँ पे, लेकिन पता नहीं मुझे आदत है इधर, कोई बात नहीं। अच्छा मैं भी आपके क्लिप्स चल रहे थे मेहंदी का क्लिप और शादी का क्लिप था, तो मेहंदी पे आप पठानी बनी हुई थी। हाँ क्योंकि मैं हूँ पठान, वैसे सिंधी है, तो हमने एक सकाफती मेला था हमारा, कल्चरल फेस्टिवल पूरा था। मेरी जो दोबारा दिखाई है क्लिप, हाँ मेरी एंट्री जो है वो पश्तो सॉन्ग पर हुई थी, हाँ उबैद की सिंधी गाने पर नहीं हुई थी, लेकिन हमने डांस सिंधी गानों पर भी किया था, सिंधी गाने चले बट हाँ तो ये बहुत अच्छे, पूरा अजरक वाला था इसका और मेरा पूरा पठानी ड्रेस था, और ये इन्होंने अजरक वाला पहना, हाँ इन्होंने दो कल्चर्स का मिलाप और सिंधी, वाकई वो दो कल्चर्स का मिलाप था, मतलब मेरी शादी में अतर भी हुआ था और सिंधी गानों पर भी डांस हुआ था, तो वो जो पठानों का डांस होता है अतर वो भी हुआ था और सब हो रहा था। तो आप लोग घर में सिंधी बोलते हैं? बोलते हैं मतलब तो कुछ राबिया को आई सिंधी अभी तक? बस समझ मुझे आ जाती है पूरी, हाँ लेकिन हाँ मैंने भी कोई बुराई नहीं कर सकता, नहीं मैं समझ जाती हूँ। बुराई तो हमारी वैसे भी कोई नहीं कर सकता, मैं कर रही हूँ हम तो आप जब मुझसे कोई पूछता है ना कि आपको सिंधी आई, मैंने कहा नहीं मुझे समझ आती, मेरी कोई बुराई नहीं कर सकता, समझ जाती हूँ पश्तो थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, डोडई रावड़ा जरकवा। तो आप लोग घर में पश्तो बोलते हो क्या? हम मेरे घर में भी वही हाफ एंड हाफ है, पश्तो और उर्दू दोनों चीजें हैं, लेकिन उबैद के सामने भी मैं कभी कभी पश्तो बोलती हूँ, मम्मी से फोन पे बात करी थी जो उबैद को नहीं सुनानी होती, तो मैं पश्तो में करती हूँ बात, तो उबैद भी जरकवा सीख गया, जल्दी करो जल्दी करो, काम करती हूँ मुझे कहते हैं जरकवा जरकवा। तो खाने का कौन शौकीन है ज्यादा? दोनों इक्वली। हाँ दुबई में एक महीने के लिए जाती हूँ तो हम 20 दिन तो बाहर खाना खाते हैं, ओए, ओए, और ओए। हम हर रेस्टोरेंट जाते हैं दुबई के, हर जगह हम जाकर जरूर ट्राई करते हैं कि क्या है, सर्च करती राबे कौन से, और मैं घर में मुकम्मल मील्स बनाती हूँ खतरनाक वाली, ना मंदी और क्या क्या काबली पुलाव कढ़ाइयाँ, मैं मुझे बहुत शौक है खाने पकाने का। हाँ जो फर्स्ट लुक होती है ना उबैद के चेहरे पर घर आकर, खुशबू जब उसको आती है खाने की और जब वो निवाला करता है, हाँ और इसका फिर वो है कि ये मेरा हाथ पकड़ के चूमता है कि थैंक यू इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। क्योंकि मैं तो बाहर ज़्यादातर खाना खाता हूँ, तो जिस जब आती है तो दोपहर का खाना घर पे ही बनाती है, और अमेजिंग फूड, मतलब आप हैरान हो जाते हैं
जिस तरह मंदी प्रॉपर पहले खाती है, जैसे हम जाते हैं खाना खाने तो ऑब्जर्व करती है क्या क्या चीजें इसमें डली हैं, फिर अगले दिन वो ट्राई करती है और मुझसे पूछते कैसा बनाया। तो शी इज एन अमेजिंग कुक बाय द वे। अच्छा वैसे मैंने कुकिंग शोज की ना, तो मैं भी जहाँ जाती हूँ तो मैं मुझे पता चल जाता है इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डले हुए, फिर घर आके मैं एक्सपेरिमेंट करती हूं। अभी जो आपने लास्ट एक पूरा सेशन किया था ना कुकिंग वाला, इट वाज वेरी गुड। यहां पर मेरी सास तो रोज बैठ के देख रही होती थी कि निदा आज क्या बनवा रही हूं, बहुत इन्फॉर्मेटिव था जो रेस्टोरेंट के खाने ना वाला, क्योंकि आपको हमेशा दिल चाहता है कि आप वो वाली टिप्स देखें। हां हां, तो वो बहुत अच्छे से सेगमेंट सारे बड़ा सीखने को मिलता है। अभी जब खुद भी हम दिखा रहे होते हैं, मैं भी घर जाके एक्सपेरिमेंट कर रही होती हूं बच्चों को, वही पेरी बाइट्स और ये सब बना 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 के खिलाना, क्योंकि हम मैं जब पेरी बाइट्स पहले बनाती थी कच्ची मिर्चें कच्ची रह जाती थी, उन्होंने बताया कि इसको थोड़ा सा आपको पानी में उबालना पड़ता है, पहले उबालना पड़ता है फिर बनाए ताकि वो अंदर से नरम हो जाए, क्रच क्रच होती है। अच्छा उबैद, आप भी कुछ खाना पका लेते हैं अकेले रहते हैं तो? जब मैंने बनाया खाना, इनफैक्ट जब हमारी बात पकी तो मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था। अच्छा, राबिया मुझे ना गाइड करती थी, मैंने सिखाया है खाना बनाना स्काइप पे कि इस तरह बनाओ ये चीज बनाओ। तो मैंने याद एक दफा हम स्काइप ही कर रहे थे तो मैंने इसे कहा कि तुम जाओ और ये चीजें खरीदो, सो ये सुपरमार्केट गया और ये मुझे दिखाया था ये वाली देखची, मैंने कहा ये ले लो। अच्छा ये वाला फ्राइंग पैन, मैंने कहा ये ले लो। तो वो वहाँ की शॉपिंग से कुछ भी नहीं था एक्चुअली, मेरे किचन में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं थी क्योंकि बाहर ही खाना था डायरेक्टली। तो इसने बोला कि नहीं अब तुम कुक करोगे, और मुझे स्पैगेटीज बहुत ज्यादा पसंद है, तो पहली चीज मैंने इनफैक्ट स्पैगेटीज बनाई थी। वो अच्छी बनाता है स्पैगेटीज। अच्छा वो एक वाहिद चीज है जिसपे मुझे कहता है मेरे लेवल तक नहीं पहुंच सकती, मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। तो ये वाकई स्पैगेटीज बहुत अच्छी बनाता है। ये एक वो जो ऑमलेट होता है जिसके अंदर सारी वेजीज डलती हैं, जबरदस्त ऑमलेट बनाता है। एक दफा उबैद ने, मैं सारी खवातीन को बताती हूँ, एक दफा उबैद अंडा बना रहे थे घर में और हम स्काइप पे भी बात कर रहे थे, बीच में मैसेजिंग भी हो रही थी, तो उबैद ने मुझे कहा कि ऑयल कहाँ पड़ा है। मैं उसी वक्त कराची आई थी, दो तीन दिन हुए थे। मैंने कहा बिल्कुल सामने जो स्लैब है उस पर पड़ा है। तो उबैद ने ऑयल डाला, अंडा फ्राई किया और आके खाया। जब उसने फर्स्ट बाइट लिया तो उसे बहुत गंदा लगा, लेकिन फिर भी इसने आधा अंडा खा लिया। हाँ। उसके बाद से खाया नहीं गया। तो ये जब रखने के लिए गया एंड ही वांटेड टू वॉश द प्लेट, तो इसने देखा कि जो मैंने ऑयल डाला था मैं उसी से वॉश कर रहा हूँ। यानी कि आपने लिक्विड सोप डिश वॉशिंग लिक्विड के अंदर इसने अंडा बना भी लिया। दोनों सेम कलर और सेम बॉटल्स थे, ऑलिव ऑयल पड़ा था और डिश वॉशिंग लिक्विड पड़ा था, वो दोनों तकरीबन एक जैसे लग रहे थे। तो उबैद ने कहा मैंने आधा अंडा खा लिया है, मैं खा चुका हूँ। मैं इमेजिन कर सकती हूँ उसका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा खट्टा। तो मेरी सास तो बेचारी बड़ी दुखी होती है सोच सोच कर के मेरा बच्चा इस तरह से खा रहा है। खैर अब तो ये और इनके एक दोस्त हैं अफान, वो तो बहुत बाहर खाने खा रहे होते हैं। दो दिन से लोग वेजिटेरियन हुए हुए थे, कल आंटी ने खूब मजे की मटन कढ़ाई बनाई आती है। तो सब वेजिटेरियन खत्म हो गया। अच्छा सुस्त कौन है दोनों में से दादा, जिसका दिल नहीं चाह रहा बस नहीं हमने तैयार नहीं होना जाना नहीं है? यार सुबह क्या था, क्या करवा रही हो यार मुझसे, सुबह सुबह तो खैर अब यही उठता है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं उठ सकती। जब मैं दुबई जाती हूँ तो मेरा रिलैक्सिंग पीरियड होता है। दुबई में बोल रहा था, दुबई में ये ज्यादा क्योंकि मैं सुबह ऑफिस जा रहा था, मैं खुद डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि मुझे तो जाना है, मुझे उठ के तो मैं कहता हूँ इससे क्यों बुलाओ जब मैं तंग करूँ। तो उधर मुझे लगता है कि ज्यादा लेजी होती है, इधर आके मैं लेजी हो सकता हूँ। जिसका जो छुट्टी पीरियड होता है ना, इधर तो मैं बिल्कुल पिछले मुझे एक महीने से लग रहा है मैं मजदूर बनी हुई हूँ। जब आप अपना कोई बना रहे होते हैं जगह तो आपको लिटरली मजदूरी करनी पड़ती है। अच्छा तो अभी अभी नया रेनोवेट किया या नई ब्रांच खोली? ब्रांच पूरी नई खोली है। अच्छा। और वो काफी बड़ी है और उसमें बहुत सारी अच्छी खूबसूरत चीजें बनाई हैं, तो वो आप यकीन करें कि लकड़ियाँ उठाने तक और हर चीज मैं खुद कर रही थी ताकि जल्दी जल्दी काम हो। तो वो बस मैं वाकई सब मुझे गए थे मजदूर बन गई हूँ। मतलब दो ब्रांच हो गई अब एक्चुअली, जो पुरानी वाली ब्रांच थी वो हमने बंद कर दिए इवेंचुअली, और अब हम एक गुलशन हमें खोल रहे हैं केडीए मार्केट की तरफ। अच्छा। और एक ये डीएचए में बुखारी का मार्शल पे हो गई है। ग्रेट, ग्रेट। तो ईद से पहले गुलशन वाली ब्रांच खुल जाएगी और एक ये वाली समझे हमने शिफ्ट कर दी है फ्रॉम जमजमा टू बुखारी। तो अब दो ब्रांच इवेंचुअली हो जाएंगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्लान है कि पेशावर में खोलना है क्योंकि मेरे पेशावर वाले फैंस बहुत हैं, और फिर इवेंचुअली और सिटीज में। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा वैसे मुंह दिखाए में आपने क्या दिया राबिया को? मैंने एक ब्रेसलेट दिया था, वो काफी ढूंढ के
उस प्लेस में मैं एक्चुअली कुछ देना चाह रहा था जो कि थोड़ा डिफरेंट और अच्छा हो. तो मैंने काफी रिसर्च की थी दुबई में, काफी गोल्ड शॉप्स किया था मैं. हां दुबई का गोल्ड अच्छा होता है, अच्छा होता है. उस गोल्ड को रखें और पूरे कराची वाले गोल्ड को रखें तो अलग से चमकता है वो. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है. तो वो एक ब्रेसलेट ही दिया था बेसिकली मैंने, मतलब कि लाइक जो आपकी अम्मी है और आपके अब्बू है उनसे कैसा रिलेशनशिप है उबैद का? मेरा उबैद के अम्मी अब्बू से बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और उबैद का मेरे अम्मी अब्बू से बहुत अच्छा रहे और उन लोगों का आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है. मतलब मेरे अब्बू और नानों की मेरे अब्बू और जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो तो लगता है कि वो बचपन के दोस्त हैं क्योंकि वो बड़ा कनेक्ट कर जाते हैं हर चीज़ में. जो थिंकिंग होती है आपकी तो सारी उसमें बड़ा वो कनेक्ट करते हैं अच्छे तरीके से. तो माशाल्लाह अच्छी दोस्ती है सबकी. हाँ बहुत अच्छी दोस्ती. राबिया के कितने बहन भाई हैं और उबैद आपके कितने बहन भाई? मेरे हम दो भाई दो बहन हैं. अच्छा. तो काफ़ी बैलेंस्ड हैं. तो मैं सबसे बड़ा भाई हूँ. अच्छा. उसके बाद मेरी सिस्टर हैं, शी गॉट मैरिड बिफोर आई डिड. उसके बाद मेरा भाई एक और छोटा और छोटी बहन है. अच्छा. और जो सबसे छोटी बहन है वो अब मेरे सैलून को मैनेज कर रही हैं. हाँ. तो एक बड़ा जरूरी होता है कि आपके घर का एक फर्द हो जो सब देखा. Although she just complete her MBBS, उसने मतलब वो डॉक्टर बन गई तो but she in the intermediate मैंने उसे फंसा लिया कि तुम ये करो. हाँ वो अभी छुट्टियों का भी टाइम होगा ना. हाँ अभी अभी उसने कंप्लीट किया है तो एक इतना अरसे की पढ़ाई और सब चीजों के बाद रिलैक्सेशन भी हो जाएगी. रिलैक्सेशन है फिर वो दोबारा इंशाल्लाह परसू करेगी हायर स्टडीज तो फिर वो उसमें आगे जाएगी. अच्छा क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या सोचा हुआ है आगे? ये तो ब्रांचेस पर ब्रांचेस कराची में खोले जा रही हैं, फिर पेशावर कभी रात है. आप लोग आपका क्या आगे का प्लान है, क्या करना सोचा है कभी या कहते हैं जो चल रहा है चलने दो? नहीं ऐसा नहीं है, प्लान्स तो काफ़ी सारे होते हैं लेकिन अभी क्योंकि हम लोग एक एयरलाइन में तो हम लोग का प्लान है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें. जितना रैंडमली हम प्लान कर सके नेक्स्ट 2 इयर्स तो हम बहुत ट्रैवल करने वाले हैं. शौक है आप लोगों को घूमने फिरने का? हमने बहुत ट्रैवल किया है ऑलरेडी. हाँ. और ये तो अभी अब बहुत हमने यूके का वीज़ा लगा कि हम दोनों साथ में ट्रैवल करें. हाँ. तो मैं कराची आ गई और हमने अभी ट्रैवल करना था इसी मंथ नवम्बर में. तो एक दिन मुझे मैं आई वॉज जस्ट अबाउट टू स्लीप रात में और मुझे मैसेज आया कि आई एम गोइंग टू लंडन. मैं लंडन जा रहा हूँ. हाँ. तो मैंने कहा अच्छा जा रहा होगा एक दो दिन में. इसने कहा मेरा फ्रेंड जा रहा है. हाँ. और मैं भी साथ जा रहा हूँ. मैंने कहा अच्छा ठीक है. मैंने इसे मैसेज किया कि ओके और मैं सो गई रात. हाँ. को 2 या 2:30 बज रहे थे तो मैं बहुत हाफ अस्लीप मैसेज था. सुबह उठ के मैंने कॉल किया तो फ़ोन ऑफ था. और मैं परेशान हो गई. मैंने कहा घर में सो रहा है, वीकेंड था. तो मैं कॉल करती रही करती रही करती रही. सो 4 जब बज गए, 4 बजे तक इसका फ़ोन ऑन नहीं हुआ. तो मैंने इनके फ्रेंड जो अफ़ान है उनको कॉल किया. तो अफ़ान ने कॉल उठाई. फ्लाइट में थे, लंदन पहुंचने वाले थे. मतलब मुझे मैसेज था कि मैं लंदन जा रहा हूँ तो लंदन जा चुका था वो. तो मैंने कहा तुमने मेरे साथ जाना था. तो मैंने कहा आपको तो मेरे साथ जाना तो पहले क्यों चले गए? तो वो उसने कहा मैं असल में देखने गया था कि मैं जहाँ तुम्हें लेके जा रहा हूँ वो जगह अच्छी है या नहीं. तो इसके तो बैठे बैठे प्लान्स बन जाते हैं. हाँ. हम अभी बहुत ट्रैवल करने वाले हैं इंशाल्लाह. कहाँ का शौक है ट्रैवलिंग का, किधर जाना है? मुझे सिटी लाइफ बहुत पसंद है और इससे जो है ना बहुत बीच वगैरह टाइप के पसंद है. तो अभी तक मेरी ख्वाहिशें पूरी हुई. हम सेशेल्स गए हैं, हम मालदीव्स गए हैं. अब उबैद ये फायदा है लाइन में होने का. अब उबैद की ख्वाहिश पूरी होगी लाइफ थोड़ी सी हम देखेंगे. हाँ. मुझे मतलब अच्छा लगता है आप किसी शहर में जाके देखते हैं कि लोग कैसे रह रहे हैं वहाँ पे किस तरह. तो बड़ा फैसिनेट करता है कल्चर. हर मुल्क का अपना एक कल्चर होता है. फिर आपको लगता है कि अगर हमारे मुल्क में मसाइल हैं भी तो हमारी वजह से, कि वहाँ के लोग खुद कितने अच्छे हैं. वो ये नहीं सोच रहे होते कि फला ने मेरे लिए क्या किया या फला लीडर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा. आजकल तो एवरीवन इज सेइंग ना लीडर ऐसे लीडर. हाँ, ऐसे हाँ. वहाँ पे कोई लीडर की बात बहुत बाद में आती है. वहाँ गली कूचों में हर कोई खुद सफाई करता है. हाँ, खुद ख्याल रखता है. हाँ, तो ये आई थिंक सीखना हमें चाहिए बहुत ज्यादा. खुद आप जाए निदा आप जब जाती हैं आपको. हाँ, पता चलता होगा छोटी छोटी चीजें. बिल्कुल. फिर दुख होता है यार क्या समंदर तो हमारे पास भी इतने अच्छे हैं लेकिन इतने साफ सुथरे तो नहीं है. वहाँ ख्वातीन कितना सेफ फील करती हैं. हाँ. मुसलमान बड़े कम हैं वहाँ लेकिन फिर भी जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं. वो जो हमें इस्लाम में सिखाई है औरतों के लिए वो रिस्पेक्ट वो कर रहे होते. हाँ. हैं और यहाँ आप अनसेफ फील कर रहे होते. हाँ. हैं. हाँ. अपने ही लोगों के बीच में इतनी रात को देर से अकेले ड्राइव नहीं करो. मैं तो ड्राइव ही नहीं करती इस डर के मारे. मुझे मैंने ड्राइविंग पूरी सीखी. हाँ. और मुझे बड़े खुशी खुशी सिखाई मेरे घर वालों ने. और जिस दिन मैंने कहा कि अब मैं ड्राइव कर लूँ
तो कहा नहीं 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 हमने तो वैसे ही तुम्हें सिखाई है कि कभी इमरजेंसी में जरूरत तो ड्राइव तो तुम कराची में नहीं कर सकते। मैंने कहा सिखाई क्यों थी फिर, तो अभी भी मुझे नहीं अलाउ करते। बहुत मुश्किल होता है, मेरे मियाँ भी जब जिस दिन ड्राइवर की छुट्टी होती उस दिन मैं कहती हूँ थोड़ा हाथ साफ कर लूँ, भूल ना जाऊँ ड्राइविंग कभी। हाँ, लेकिन वरना बहुत मुश्किल है यहाँ चलाना, इधर साइडें मार के गाड़ी में बैठ के भी छेड़ रहे होते देखो। हाँ, करते हैं नहीं वाकई करते हैं, सही करते हैं वाकई। हाँ वो आर्या नाम बताई थी उनको नहीं छोड़ते बेचारी को, वो तो वो तो ये तो यहाँ का आलम है। जब वो देख लेते हैं ना कि औरत गाड़ी चला रही है तो फिर एक मौका मिल जाता है लोगों को। लेकिन अगर कोई करे आप लोगों को इस तरह तंग तो आप फौरन कैमरा निकाल के ना गाड़ी की तस्वीर खींच लिया करें, नंबर प्लेट। गुड आइडिया, गुड आइडिया। टेंशन मत लिया करें, फोन निकालें, तस्वीर खींचें और जाके जरा थाने में बताएं कि मुझे तंग कर रहा ये था। तंग कर रहा था बस, अब फिर सुधर जाए आप लोग। सीधे हो जाएंगे सारे। अच्छा दोनों में से कौन ज्यादा शॉपहॉलिक है? शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, एक तरह के दो कपड़े ले लिए दो कलर के दो जूते। आई एम गिल्टी एज चार्ज्ड। हां बहुत शॉपहॉलिक हूं, लेकिन अभी मैंने पिछले तकरीबन एक साल से अपनी शॉपिंग पे ब्रेक लगाई हुई और मेरी बेटी की शॉपिंग जो है ना वो बहुत ऐसे ही हो गया। कुछ हम जाते ही शॉप पे तो हम मेन और वुमेन सेक्शन की जगह किड सेक्शन में चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। अकेले भी आप जाए, मैं अकेले भी जाऊंगा तो मैं उधर ही जाता हूँ और आप कुछ चीजें ना वो आती है क्लिक करते हैं स्पेशली बेटियों की चीजें ना, फिर वो अनाबिया हरकतें भी ऐसी देख देख के दिल जाता है और बेटियां अनाबिया हरकतें भी फिर ऐसी करती है, वो जब स्ट्रॉलर में होती है अपने तो वो हाथ मार के ना चीजें पकड़ लेती है और हर दुकान से उसको एक ना एक डॉल ये लेके दे देते हैं। मैं तो मना करती हूँ लेकिन कोई बात नहीं, डॉल पिक करेगी और फिर उसको जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे तब तक यूं रहेगी उसके बाद, और जैसे हम पे करेंगे उठा के फेंक देगी। अभी पैसे दिए हर शॉप पे यही करती है, लेकिन उसको बड़ा फैसिनेट करती है जब तक डॉल जैसे मिलेगी ना उसको यू रहेगी कंटिन्यूस के स्वीट। बच्चों की हरकतें ऐसी होती हैं। अच्छा वो फिर बच्चों की इसलिए भी ज्यादा शॉपिंग होती है कि वो साइज बड़ा होता जाता है बच्चा। हाँ, हाँ। पहले वो न्यू बॉर्न वाले, फिर 3 to 6 मंथ्स वाले, फिर 6 to 9, फिर 9 to 12, तो वो सारे छोटे होते जाते हैं कपड़े, तो इतना स्टॉक बड़ा जमा हो गया है कि अब तो मैं जो मेरे खानदान के और बच्चे हैं ना मैं उन्हें कह रही हूँ कि अब कोई बच्चा हो तो मेरी बेटी के कपड़े में गिफ्ट कर दूंगी। हाँ भाई बहुत जरूरी है, मोहब्बत से और इतने प्यार से खरीदे हुए होते हैं एक दो दफा पहन के फायदे। बिल्कुल, तो मैंने तो अब ये स्टार्ट कर दिया है कि मैं अपने भी जो कपड़े हैं वो मैं डोनेट करती हूँ। हाँ। और अब मैंने अनाबिया के भी डिसाइड किया है कि मैं वो किसी भी नीडी पर्सन को डोनेट कर दूंगी ताकि हाँ। काम आए, जाया ना जाया हो, कपड़े जाया ना, ना। तो बड़े मोहब्बत से देखा था सफाई के कपड़े राम पर जो है उसकी डस्टिंग का कपड़ा बन रहा है, वो मटेरियल अच्छा होता है, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि नहीं यार ये क्या है, तुम खरीद लेंगे डस्टिंग का कपड़ा। तो मैंने अपनी पर्सनल शॉपिंग को थोड़ी, और दूसरा ये कि अब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं बस अनाबिया की शॉपिंग होती है और सेफोरा होता है। हाँ मेकअप मेकअप वही ना सलोन की वजह से, सलोन की वजह से। अच्छा स्पा भी अभी शुरू किया है? स्पा भी पहले भी था लेकिन अब बहुत बड़ा और बड़ा यूरोपियन स्टाइल स्पा किया है, जो रूम्स हैं ऊपर वो बड़े अच्छे खूबसूरत 2 फ्लोर्स पे, तो नीचे जो है वो हेयर कटिंग है और मैनीक्योर पेडिक्योर है, और जो ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ पे मेकअप है और फिर स्किन मसाजेस और फेशियल्स हैं। तो बड़ा कोई कोई शुरू की डील्स रखी है जब सबको बताने के लिए? अभी ओपनिंग कल है और आप आएंगी भी आएंगे, कल हमारी ग्रैंड ओपनिंग है। हाँ। अभी जो क्योंकि थोड़ा दिन जो पिछला वाला सैलून बंद रहा एक हफ्ता, तो बहुत सारे कस्टमर्स को आना था तो उनके लिए तो हमने ऑलरेडी खोल दिया है कि वो बहुत सारे आ रहे हैं ऑब्वियसली। और कल की ओपनिंग के बाद फिर फुल फ्लैश हम ऑन करेंगे। अच्छा। और फिर बहुत जबरदस्त डील्स लग रही हैं। हाँ। मेकअप की बहुत अच्छी डील्स लगेंगी क्योंकि अब वेडिंग सीजन शुरू होने वाला है ना, और हेयर की बालियाजेस हेयर कट्स की बहुत जबरदस्त जबरदस्त डील्स हैं। अरे वाह बहुत अच्छी डील्स हैं। यस तो खुद राबिया को शुरू से शौक था कि मैं बिजनेस वुमन बनूं? हमेशा से था। मेरी अम्मी की तरफ से आया था मुझे, और मेरी अम्मी को हर वक्त, मेरी अम्मी ने दुनिया के मेरे ख्याल में सारे बिजनेस उन्होंने छोटे छोटे कर लिए हैं, उनको कभी भी कुछ होना तो उनके दिमाग में एक आइडिया होता है कि इसका बिजनेस कर लूँ। अच्छा। और वो करती रहती हैं बिजनेस अभी। हाँ। भी माशाल्लाह अम्मी तो एक बिजनेस कर ही रही हैं और वो ज़्यादा चैनल्स के साथ। हाँ। ही अम्मी जो हैं वो ये ड्रामास को और जो फिल्म इंडस्ट्री है इनको रेंटल वार्ड्रोब देती हैं। हाँ। तो वो बड़ा अच्छा, उन्होंने मेरे ख्याल में कोई 10 जोड़ों से काम शुरू किया था जिसमें 3 तो मेरे अपने ही थे। अच्छा। और वो फिर इतना दे दिए रेंट पे कि तुम तो पहनती नहीं हो दोबारा के देख ली है सबने तो मैं दे दूंगी रेंट पे। वो होते होते माशाल्लाह ARY के बहुत सारे ड्रामास, तकरीबन 60-70% ड्रामास को हमारे यहाँ से क्लोदिंग जाती है। अच्छा। और बाकी चैनल्स को जाती है, तो वो तो उनका काम चल रहा है एक साथ में।
फिर उसके साथ साथ हमने ये सैलून शुरू कर दिया था, तो उनके सैलून के ही बड़े आइडियाज होते हैं. तो मुझे ये असल में जो बिजनेस का एक धक्का दिया था ना, वो मेरी अम्मी ने दिया था कि बिजनेस शुरू करो. और वो हेल्प भी बहुत करता है माशाल्लाह. फिर अम्मी की तरफ से मिला होगा ना विरसे में, तो वो दिमाग ऐसे होगा क्योंकि निदा बिजनेस खोलना और चलाना बहुत मुश्किल है. एक आपका देखें पैसा बहुत लगता है, फिर आपकी मेहनत और पूरी कॉन्सेंट्रेशन उस पर लगती है. आप यकीन करें मैं पूरी अगर दुबई में भी होती हूँ, मैं उबैद को पता है कि मैं हर वक्त वो जो हमारे पेजेस हैं उस पर देख रही होती हूँ कि जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने लोगों को रिस्पॉन्ड किया है या नहीं किया, क्या पिक्चर्स अपलोड हो रही हैं, क्या लिखा जा रहा है. मैं खुद कॉन्टेंट बना के देती हूँ कि इस पर ये लिखें इस पर ये लिखें. तो बस आप हर वक्त लगे रहते हैं उसी काम में. फिर क्या मैंने अभी दुबई से जब मैं आई हूँ, मैंने बहुत सारा मैं सामान दुबई से लेकर आई, ये स्पा के चीजें बहुत सारा सामान में लेकर आई क्योंकि वहाँ अच्छी चीजें मिलती हैं. तो आप लोगों को सामान ज्यादा लाने की इजाजत होती है क्या? नहीं नहीं, क्योंकि मैं अपना कुछ सामान, मैं जब यहाँ से गई थी तो सिर्फ अनाबिया का स्ट्रॉलर और बैग लेके गई थी. मैं दो दिन के लिए गई थी सिर्फ, तो जो मेरा 40 kgs था ना, मैं पूरा 40 kgs सैलून का सामान लेके आई. तो इजाजत तो हमें नहीं कोई देता. लोगों को लगता है कि शायद आप काम करते हैं तो आपको पता नहीं कितनी इजाजत है, तो अक्सर लोग काउंटर से कॉल करते हैं, यार मेरा 10 kg एक्स्ट्रा हो गया तुम थ्रू करा दोगे? तो यार मतलब मैं और नहीं करता. ऐसा भी फोन आता है कि हमारी ना 6 बजे की फ्लाइट थी और हम तो पहुंचे ही 5:30 बजे थे, फ्लाइट निकल गई है, तो यार तुम कुछ करवा के अगली फ्लाइट में फ्री में करवा दो. वो रूल्स हैं, मैं उनको ओवरकम थोड़ी कर सकता हूँ कि नहीं आप फ्लाइट रोक लें, मेरे दोस्त आ रहे हैं उनको आप जाने दें. मेरे साथ ही हुआ, मैंने पिछली जो रमजान ट्रांसमिशन की, इस लास्ट वाली रमजान में तो उबैद आ गया था इधर ही, तो ईद उबैद ने यहाँ मेरे साथ की. लास्ट में ये हुआ कि मैं और समी कर रहे थे, तो मैंने समी से गुजारिश की कि दुबई में एक दिन पहले ईद है, तो तुम जो 29 या 30 रमजान का मैंने कहा जो शो है वो तुम अकेले कर लो. और मैंने फिर मैनेजमेंट से भी इजाजत ले ली और मैं फ्लाई कर जाऊंगी, मैं आखिरी अपना अल्लाह हाफिज़ एक दिन पहले कर लूंगी. तो समी ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं. तो मुझे जाना था और बस मुझे, मैं सोच रही थी कि मैं ट्रांसमिशन करते ही रात में चली जाऊंगी, तो मैंने ट्रांसमिशन ख़त्म की और 10 बजे या जो भी फ्लाइट थी लास्ट में उसमें गई और मैं लेट पहुंची. और उन्होंने बंद कर दिया और कहा वो स्टाफ चला गया है और आज सहरी है तो वो स्टाफ नहीं होगा या जो भी. खैर मैं लेट भी हो गई थी थोड़ा, तो वो मुझे नहीं उन्होंने कोई हेल्प किया, चाहे मैं स्टाफ की बीवी हूँ या जो भी हूँ. फिर मैंने अगली फ्लाइट ली सुबह सुबह, मैं दुबई में ईद थी और मैं सुबह सुबह पहुंची और शेख खुरमा लेके मैं गई थी था ये काल. तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें, बहुत सारे मजे मजे की बातें सुने. वैसे हम दो खवातीन के बीच में आपको तो लग रहा है आप बहुत कम बोल रहे हैं. अगली ब्रेक में ज्यादा, अगली ब्रेक के बाद में इनसे ज्यादा बात, आप ज्यादा बात कीजिएगा. तैयार रहिए. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. राबिया और उबैद आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम बहुत मज़े की बातें कर रहे हैं यहाँ, बहुत सारी बातें, क्योंकि पहली दफ़ा आई है ना तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं. सुनिए, ये होता है ना कि न्यूज़ एंकर को न्यूज़ पढ़ते पढ़ते आदत हो जाती है न्यूज़ की तरह ही बोलने की, कोई भी बात खबर सुनाने की, तो क्या राबिया के अंदर भी आदत डेवलप हो चुकी है कि नहीं? नहीं ऐसे तो नहीं है इसके अंदर न्यूज़ वाली कोई, मतलब घर में भी इतनी ज़्यादा कोई खास किस्म नहीं थी. वो खलीस उर्दू क्या बोलते हैं, मैंने एक दफ़ा ये किया था, मैं न्यूज़ में थी और कराची में बारिश की खबर थी, तो मुझे कान में बता रहे थे कि कराची में बारिश हो रही है, ब्रेकिंग है आप जल्दी से. कराची की बारिश वाकई ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी, तो मैं अब बोल रही थी. अच्छा, आई वॉज वेरी फेमस कि मैं प्रॉम्प्टर के बगैर मुझसे 4-4 घंटे 5-5 घंटे की ट्रांसमिशन करवा लो, मैं करती थी. तो उन्होंने कहा कि बारिश हो रही है और बहुत अच्छा मौसम हो गया, वो एक एक जुमला कह रहे थे और मैं सामने कही थी. उन्होंने कहा काले बादल छा गए, मैंने कहा और कराची में कादल छा गए. गबल्ले इतने गबल्ले हुए हैं उससे, गबल्ले तो फिर भी नदा काम होते थे. मुझे हंसी बहुत आती थी. मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि मैं खबरें पढ़ूँ कुछ आखिरी के 3-4 महीनों में, तो मैं इतना हंसती थी. अगर किसी से भी कोई गलती हो जाए, मेरे साथ जुनेद होते थे अक्सर खबरें पढ़ रहे होते थे, और जुनेद से अगर कोई छोटी सी गलती हो जाए तो मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती थी. मैं चेयर से नीचे बैठ जाती थी और वो बेचारा जुनेद कंटिन्यूसली आधे आधे घंटे तक अकेले खबरें पढ़ता था. प्रोड्यूसर्स मुझसे तंग हो गए थे कि क्या मुसीबत है, इस लड़की की हंसी मुझसे नहीं कंट्रोल होती थी. तो इसे भाई कितनी मुश्किल बात है, अब आप खबर सुना रहे हो कि एक लड़के ने एक साथ दो वक्त दो लड़कियों से शादी की एक ही वक्त में. वो जो खबर थी नहीं, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं खबर पढ़ रही थी, जैसे ये हमारे कैमरामैन खड़े हुए, तो वो कैमरामैन ना बड़ी आहिस्ते, बल्कि इनफैक्ट वो ARY में ही था,
तो वो ना बड़ी आहिस्तगी से पीछे से जा रहे थे. रात को कोई 12 एक बजे यहाँ बुलेटिन होता था क्योंकि वो यूके में 9 बजे चलता था. वो पीछे से जाते हुए गिर गए और मैं उस वक्त अल्लाह माफ करे कोई बहुत खतरनाक खबर पड़ी थी और मैं ऑन एयर हंसना शुरू हो गई क्योंकि वो इतना बुरा गिरे पीछे और बहुत पता नहीं वो है यहाँ पर नहीं है, वो बहुत क्यूटू से मोटू से थे और वो जब गिरे और वो यूं करके गिरे और फिर वो खड़े हुए और मैं ऑन एयर हंस रही हूँ और मैंने कहा मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती. तो ये होता है मतलब लाइफ. चलो हमारे तो लाइफ शो है ना, मुझे भी ऐसे होता है क्या अगर मुझे अंदर जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने या कुछ मेरी प्रोड्यूसर है उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी वो अंदर हंस रहे होते हैं. यहाँ नहीं मेरा शो ऐसा है कि मैं चलो हंस लेते हैं लेकिन न्यूज में तो नहीं हो सकता. न्यूज में आपके पास जगह ही नहीं होती इस तरह हंसने की. लेकिन मैं तो बहुत हंसी हूँ बहुत हंसी हूँ. अच्छा कभी कोई बहुत डिप्रेसिव न्यूज और इस तरह की चीज जब सुनानी पड़े फिर राबिया कैसे कंट्रोल करती है इमोशंस? न्यूज से तो अब मेरा बड़ी दूरी हो गई है और अब मैं शो में आ गई हूँ. रमजान में आपको पता है किस तरह की चीजें केसेस बहुत सारे सामने आते हैं तो मैं तो बहुत रोई हूँ. मैं पहले जब मैं फ़र्स्ट रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही थी तो मैंने अपने जितने प्रोड्यूसर्स थे मैंने उन्हें कहा कि मैं नहीं रोती हूँ आसानी से. तो समी मेरे साथ जब कर रहे थे वो रो पड़ते थे. अच्छा एक्टर्स बड़े सेंसिटिव भी होते हैं तो उन्हें ज़्यादा रोना आता है. अच्छा मैं नहीं रोती थी. फिर एक दो ऐसे केसेस आए निदा कि मैं रोती गई और मुझसे बात नहीं हुई. जो साथ में लोग थे उन्होंने शो कंटिन्यू किया बट फिर कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं. और ज़्यादा आई थिंक मैं सेंसिटिव हुई जब मेरी बेटी हो गई. तो फिर जब बच्चे आते थे या बच्चों का कोई केस होता था या किसी मदर का कोई इस तरह का केस होता था फिर आप रिलेट करते हैं उस चीज़ से कि अब मेरी औलाद है फिर आपको एहसास होता है. तो फिर तो मैं बहुत रोई हूँ. पूरे पूरे शोज में रोती रहती हूँ. घर में भी रोती हूँ. आप इतनी कहते हो टीवी पे करो रोना ड्रामे पे या पानी. मुझे बहुत प्यार से चुप कराता है. मैं रोती हूँ. नहीं रोती ज़्यादा. वैसे खवातीन काफ़ी रोती हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है इनके साथ? रोई हूँ एक दो दफ़ा. एक दो दफ़ा हुआ है. मतलब कभी कभी बहुत इमोशनल आती है क्योंकि वहाँ पे होता है जैसे अगर बहुत ज़्यादा टाइम दुबई रहती है और आई एम यूज्ड टू इट. मैं तो अकेले इसको थोड़ा सा ना इतनी आदत नहीं है इसको फैमिली के साथ और बहुत ज़्यादा उस तरह. तो फिर अगर उस सिचुएशन में जब मैं बिल्कुल अकेली हूँ और फिर कोई ऐसा वाकया हो जाए कोई चीज़ हो जाए जब मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है. फिर सारे इमोशंस एक साथ बाहर निकलते हैं मेरे. सो ये है. अच्छा अब नाबिया रोने नहीं देती हमें. उसको चुप कराते हैं. दोनों में से कौन अपना ख्याल सही से नहीं रखता? की फिक्र रहती है की तुम अपना ख्याल नहीं रखती या आप अपना ख्याल नहीं रखते? मैं नहीं रखता अपना ख्याल. खाने पीने का पानी पीने का ये नहीं रखता था. मैं तो बहुत रखती हूँ. नहीं ऐसा नहीं है. मैं मतलब जब ये राबिया होती है तो मैं प्रॉपर 3 टाइम खाना खाता हूँ वरना जनरली 3 टाइम खाने का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ज्यादा है. लोग 2 टाइम खा लें काफी होती है अभी बॉडी के लिए. अब 1 टाइम ही प्रॉपरली खाएं और सुबह में हल्का सा ब्रेकफास्ट करें तो आपके लिए काफी है. तो ऐसा मेरी अम्मी और इनको लगता है कि मैं ख्याल नहीं करता हूँ. मुझे लगता है और मेरी बॉडी ज्यादा अच्छा फील करती है जब मैं 2 टाइम खाता हूँ. मैं नहीं होती तो बड़ा जिम शिम प्रॉपरली जाते हैं ये लोग और बड़ी स्विमिंग भी हो रही होती है. मैं जब होती हूँ तो बस सिर्फ खाना खाता हूँ. मैं तो शीशे के सामने कहते हैं देखो मेरी तोंद इतनी बाहर निकल आई है. मैं कहती हूँ मैं तो बनाऊंगी खाने और खिलाऊंगी तो मैं खूब तोंद. वो जिम खुद जाते तो आप कितनी बोल रहे होते ना तुम भी जिम जाना शुरू? हाँ नहीं हम प्लान जरूर बनाते हैं कि हम कल सुबह सुबह स्विमिंग के लिए जाएंगे और फिर हम नहीं जाते. नहीं बड़ा पुश करता हूँ ऐसे कि चलते हैं. हम लोग पूरा प्लान बनाते हैं कि अच्छा इधर जाएंगे इधर पूल्स भी है स्विमिंग पूल भी है सब कुछ है. अगले दिन हमें इसकी वजह से हर जगह एक्सेस है पूल्स का और जिम्स का. तो बस हम अब जाते हैं. अब तो अनाबिया को लेके जाते हैं हम पूल्स में. तो बड़ा अनाबिया के लिए होता है. तो स्विमिंग नहीं हो रही होती अनाबिया को खिला रहे होते हैं. अनाबिया के साथ स्विमिंग हो रही होती है. उसको बड़ा मजा आता है. पसंद है उसे मतलब पूल में जाना. उसको निकलती नहीं फिर वहां से. अच्छा दोनों की एक एक इरिटेटिंग आदत राबिया की भी. राबिया की आप बताएं और इनकी आप बताएं. राबिया उबैद उबैद की आप इरिटेटिंग. हाँ अभी शादी को 2 साल हुए हैं. आसिफ भाई की क्या इरिटेटिंग? मत पूछे लिस्ट होगी. मेरे पास तो लिस्ट है. आप ये पूछे कि कितनी बतानी है. मुझे कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती हो. आई डोंट थिंक सो. ये वॉशरूम में फोन यूज करता है. ये सब करते हैं. मैंने सारे आदमियों को बताया क्या मैंने एक उसमें मीम था इस तरह बना हुआ कि
आज मैंने अपने वॉशरूम में सारे टाइल्स गिने हैं क्योंकि मैं फोन लेके नहीं गया था। कुछ तो करना है ना। तो मैं इसे कहती हूँ बाहर निकलो, मैं तुम सारी वीडियोस जो तुम देख रहे हो अंदर और जो सब गाने सुन रहे हैं जो भी वो सब आवाज बाहर आई, तुम बाहर निकलो यार, बाहर निकल के करो। तो पहले लोग न्यूज़पेपर लेके जाते थे, अब वो ऑफिस एडवांस्ड हो गया, अब फोन लेके जाते हैं। हमारा अच्छा तो जमाना है जब मोबाइल फोन नहीं, मैं तो शैम्पू की बॉटल्स पड़ती रहती बैठ के। तो पहले से आदत है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या है। तो हाँ बस ये इरिटेटिंग आदत है कि ये वॉशरूम में फोन लेकर जाता है। राबिया के आज तक मुझे कोई नहीं लगती रेटिंग, बस ये बहुत ज़्यादा उसका करती है। जैसे मैं ऑफिस आता हूँ तो मैं अभी भी ना सारे कपड़े वपड़े अपने बिस्तर फैलाऊंगा, जूते इधर होंगे सब कुछ। मेरी रेटिंग तो जब मैं आता हूँ तो इसको सब कुछ जगह भी चाहिए। जबकि मतलब मैं पूरा दिन चीजें सेट रखती हूँ। एक लड़का आता है, एक जूता इधर, एक जूता इधर, फिर कमरे में जाके ये शर्ट उतार के उधर, फिर कहता है मेरा घर है, मैं जो चाहूँ करूँगा। अच्छा उबैद कभी भी अपने सॉक्स जो है वो डर्टी बास्केट में नहीं डालता था। अच्छा मैं 2 साल मुझे लग गए बोल बोल के कि करो, नहीं किया। अब अनाबिया ने क्रॉलिंग शुरू की, डर्टी सॉक्स उठाया और मुंह में डालने लगी। उबैद भागा, वो डर्टी सॉक्स उठाए, बास्केट में डाले, अगले दिन भी आके बास्केट में रहेंगे। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारा, तुम्हारी बेटी तुम्हें सीधा करेगी। 2 साल में बेगम भी कर रहा था कि कभी नहीं, बेटी ने करवा ली। मेरा घर है यार, मैं जैसे जहाँ चीज रखूँ अच्छा लगता है मुझे ये पड़ा। अच्छा वैसे मर्दों को होती है ना आदत फैलावा हो घर, और फिर जब मैं जा रही होती हूँ ना कराची से दुबई तो उस दिन मेड आती है। अच्छा सारा काम उसे चमकवा के घर, बिल्कुल जब मैं जाती हूँ घर चमक रहा होता है, एक एक चीज अपनी जगह पर होती है। तो ये तो आपको लगता होगा जब आप आते हो मेरा घर क्योंकि तो जब मेरे जाने से पहले सफाई करवाता है। जब ये आ रही होती है तो मुझे उससे पहले मेड बुलानी होती ताकि सब साफ रहे और उसको पता ना चले, कोई सबूत ना बाकी हो कि यहाँ गंदगी है। जाके फिर जब अलमारी में खोलती हूँ उबैद की तो फिर मुझे अंदाजा होता है कि ये कहाँ गए ये सबूत सारे। सब कपड़े उबैद की अलमारी के अंदर होते हैं। मैं आते हुए कही थी कि तुम बड़ा वाला तुम वार्डरोब ले लो और छोटा मुझे दे दो। कहते नहीं नहीं मैं इसमें ठीक हूँ, क्योंकि मेरा तो बहुत तमीज से कपड़े पड़े होते हैं तो पता नहीं चल रहा होता, और उबैद के पास पड़े होते हैं कपड़े ऐसे ही पड़े होते हैं। हालांकि आंटी ने जो मेरी सास है उन्होंने बहुत तमीज इन्हें सिखाई है और सिखाती रहती हैं, बट ये बेचारी माँ कितना करेगी अपने। तुम्हें कहता ना बचपन में अम्मी ने जबरदस्ती कपड़े आपके सही सोने चाहिए, तो अब जब वो टाइम मिला है कि आप मर्जी से कर सकते हो। मुझे तो ताने मिलते थे कि तुमने, अब आपको पता है ना हमारे यहाँ तो बेटों को बस समझते हैं कि सारे लफंगे ही होंगे। तो आंटी कहती ये तो बड़े तमीज से अलमारियाँ रखते थे, तो मेरे अपने लोग कहते थे कि तुमने क्या लड़कियों की तरह वो किया हुआ है कि तय तय करके कपड़े रखो। तो आंटी ने बड़ा इनको डिसिप्लिन बड़ा किया, लेकिन फिर बड़े हो गए ऐसे हो गए। अच्छा कौन ज्यादा जल्दी छोटी छोटी बातों पे ना नाराज हो जाता है दोनों में से ज्यादा? अब नहीं होते हम नाराज, शुरू में होती थी राबिया थोड़ी थोड़ी बातों पे, फिर उसको रियलाइज हो गया कि मैं वैसे इतना मजाक भी करता हूँ, काफी समय मजाक करता हूँ, तो उसको शुरू में बुरा लग जाता था। तब उसको पता चल गया कि मैं कौन सा मजाक कौन सा, अब कुछ नहीं फर्क पड़ता, इम्यून हो गए हैं मजाक में। प्लस आप एक दूसरे को समझ जाते हैं। उबैद एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी था, उबैद को पता ही नहीं था कि टीवी में क्या होता है, या तो बहुत सारी चीज़ें उबैद के लिए नई थी। हाँ बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी, उबैद का पूरा लाइफस्टाइल और हर चीज़। हाँ तो शुरू में होता था लेकिन बहुत ही कम अर्सा, आई थिंक विद इन वीक्स हम समझ गए कि उसको क्या पसंद है और मुझे क्या पसंद है। अच्छा जब आप शो बिजनेस की लड़की से शादी कर रहे होते हैं, ये न्यूज़ में थी उस वक्त, तो बहुत सारे लोग डराते भी हैं वो अच्छा ये वो, तो कुछ आपको तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी? मुझे मेरे पेरेंट्स का ज़्यादा कंसर्न था कि उनको क्या उनका क्या मतलब रिएक्शन होगा, लेकिन मेरे अब्बू जब राबिया से मिले फर्स्ट टाइम तो उन्होंने इतनी पॉलिटिक्स की बातें करना शुरू, इन दोनों की मतलब प्रॉपर गप लग गई ना एक तो मेरा वो प्रॉब्लम ही क्लियर हो गया। और मेरी अम्मी तो वैसे ही राबिया को इतना ज़्यादा पसंद करती हैं, तो ये कभी डिस्कस ही नहीं हुआ कि राबिया मीडिया में है, मतलब ये कभी पॉइंट रेज ही नहीं हुआ जिंदगी में, और ना ही किसी ने मेरे साथ किया। मैं तो इससे भी कहती हूँ तुम मॉडलिंग करो, कोई एड चैट करो, तो मैं कोई ड्रामों में काम करवाऊँ। कोई अंदर अंदर छुपा हुआ कोई शौक है मेरे ख्याल से? एक
پوائنٹ ہوتا ہے زندگی کا سب کو ہوتا ہے جب فیسنیٹ کرتی ہیں چیزیں شروع شروع میں جب میں او لیولز میں تھا تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ شاید میں کبھی پاس نہیں ہوں گا تو میں پتہ نہیں ایک دماغ میں ہوتا تھا کہتے ہیں میں سوچتا تھا اگر میں کچھ نہیں کر سکا تو میں ماڈل بن جاؤں گا میں نے کہا تو ایسا ہم لوگ جو یہاں ہیں وہ کچھ نہیں کر کے لیکن اب فیل ہوتا ہے کہ مطلب پراپرلی ایجوکیٹڈ ڈاکٹرز وغیرہ سب اس فیلڈ میں ماشاء اللہ اتنے پڑھے لکھے ہیں اب جو آ رہی ہیں نئے نئے لوگ بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ پچھلے 10 سالوں میں آئی تھنک جتنے پڑھے لکھے لوگ اس کے علاوہ بھی میرے خیال سے جیسے ہر بندہ جس انڈسٹری میں ہے وہ تھرو آؤٹ سیکھتا ہے اور ان کی بہت زیادہ سیکریفائز ہوتی ہیں تو یو کی ناٹ سڈنلی جمپ ان ٹو اٹ تو آپ کو سیکریفائز کر کے پھر اس مقام پہ پہنچنا ہوتا ہے تو آپ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں نا وہی میں بول رہا ہوں اتنی مشکل سے آپ کو پتہ ہے دبئی میں ہم گھوم رہے تھے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی اور ایک دفعہ اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی تو وہاں آپ کو پتہ ہے بہت ساری ایڈ ایجنسیز کے لوگ اور سب آئے ہوتے ہیں اگر آپ کسی کھانے کی جگہ پر جائیں سو ایک دفعہ خاتون اٹھ کر آئیں ان کے پاس اور آتی کہتی ہیں کہ آر یو کیا انہوں نے بولا تھا آر یو این ایجپشن اور سم تھنگ کچھ اس طرح کی بات کی انہوں نے کہا کہ وائی ڈونٹ یو ماڈل فار اس وہ دنیا کی آئی تھنک نمبر 2 یا 3 پہ وہ ایڈ ایجنسی آتی ہے سو اس نے کہا کہ یو ول میک سو مچ منی میں تمہیں گارنٹی کرتی ہوں تم صرف یہ جو جاب کر رہے ہو وہ چھوڑو اور تم ہمارے ساتھ سائن اپ کر لو تو میں نے ویسے کہا کر لو میں جاؤ جاؤ میں نے کہا میں نہیں کر سکتا میک اپ کروا کے نہیں آئی کین ناٹ ڈو اٹ تو عبید اس میں تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہوتے ہیں تو کتنی دفعہ فیل ہوتے ہیں آپ کتنی دفعہ فیل ہوئے وہ میں نے سیکرٹ رکھا ہے اور رابعہ کو بھی نہیں بتایا رابعہ کو نہیں بتایا وہ میرے پیرنٹس کو بھی نہیں بتایا وہ کہتے ہیں میری اما ابا کو بڑا شوق تھا کہ تم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنو میں کلاس میں اچھی تھی تو میتھ اچھی ہو تو اس میں کام آتی ہے بہت تو وہ میں نے کہا نہیں بھائی اس میں فیل بہت ہوتے ہیں میں اپنے اوپر فیل ہونے کے ڈپے نہیں لگوا سکتی کیونکہ جو فیل ہوتے ہیں ان کو بھی بہت اچھی جابس مل جاتی ہیں آئی تھنک عبید نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک دفعہ کوئی ایگزام اس کا رہ گیا تھا یا کچھ ہوا تھا تو اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا اور خود اپنا موبائل بھیج کر آئے گئے فیس جمع کروا لی تاکہ پیرنٹس کو برڈن نہ آئے نہیں مطلب وہ میں نے کسی کو بتانے نہیں چاہ رہا تھا تو میں نے سب کو بتا دیا سب کو بتا چل گیا اب تو بھائی بن گئے نا اب تو بن گئے کتنا پڑھنا پڑتا ہے ویسے بہت پڑھنا پڑتا ہے ابھی بھی ان فیکٹ شادی کے بعد بھی یہ بہت سارے تھیسس پر اور بہت ساری چیزوں پر کام کر رہا تھا میرے سامنے بیچارہ پڑھتا رہتا ہے تو گھر میں پڑھاکو ماحول تھا کیا میرے گھر میں ایسے نہیں بس ایک بہن ڈاکٹر آنٹی خود ٹیچر رہی ہیں نا تو بیٹیاں تو دونوں ان کے ساتھ اسکول جاتی تھیں ساتھ ہی پڑھتی تھیں اور ان کی بھی بہت اچھی اسکولنگ میری سسٹر بھی دوسری جو بڑی مطلب جو مجھ سے چھوٹی ہے اس نے بھی ماسٹرز کیا ہوا ہے اس نے اور میرے بھائی وہ بھی کینیڈا سے ماسٹرز کر کے آئے ہیں آئی بی اے میں ہے وہ آئی بی میں بھی اپنے ماسٹرز بھی کر رہے ہیں تو پڑھاکو ماحول سب سے زیادہ میرے بھائی بہن مجھ سے زیادہ پڑھا آنٹی نے شادی کے بعد پڑھا ان فیکٹ انکل نے ایم بی اے کیا بعد میں اچھا تو سب نے بس پڑھائی چلتی ہے مجھے لگتا ہے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہو نہیں انکل تو بہت سٹرکٹ تھے تم نے کیا پڑھایا رابی میں نے میس کمیونیکیشن میں اپنا بیچلرز کیا تھا پھر وہیں سے پھر میں اس میں بھی آ گئی تو کیسے آئی فیلڈ میں یہ میڈیا کیسے ایکچولی اے آر وائی سے ہی شروع ہوا یہاں پر ایک برانڈ تھا اس کا کمپٹیشن تھا وومن آف اسٹرینتھ کے نام سے تو اس میں شائستہ جب کرتی تھی جی ایم پی تو شائستہ کے ساتھ انٹرنشپ ایک وہ کر رہے تھے اور میں اس وقت آئی تھنک میں کالج میں تھی اچھا تو وہیں پر وہ سارے آڈیشنز بھی ہو رہے تھے پھر میں اور میری امی گئے آڈیشن میں امی مجھے ساتھ لے کر گئیں تو وہاں تقریباً کوئی اس میں کیا کرنا تھا ہوسٹنگ کی ہوسٹنگ کے لیے تین کیٹیگریز تھیں فیشن ڈیزائننگ ہوسٹنگ اور ایک اور نیوٹریشنسٹ کا اچھا تو میں نے ہوسٹنگ کے لیے اپلائی کیا سو کافی میرے خیال میں ہزاروں لڑکیاں تھیں اور شائستہ تھی عائشہ خان تھی اور کوئی ایک اور تھے انہوں نے میرا آڈیشن لیا اور انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا تو پھر مجھے اے آر وائی میں وہ انٹرنشپ آفر ہوئی تھی کیا تو پھر میں یہاں آئی جو آپ لوگوں کا آفس ہے یہ سارا یہیں پر بیٹھ کے میں نے تھوڑا کام سیکھا پوسٹ پروڈکشن کا اور سب چیزیں پھر میں نے دوبارہ اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کر لیں اچھا پھر ایونچولی
مجھے کسی نے کہا کہ آپ ایک چینل ہے وہاں پر جو ہے نا نیوز کے لیے ان کو کچھ لوگ چاہیے تو آپ جائیں. مجھے نیوز اینکرنگ نہیں تھا, مجھے ہوسٹنگ کا ہی بہت زیادہ تھا, بٹ میں پڑھ رہی تھی ہسٹری بھی جرنلزم بھی, تو میں نے سوچا اچھا ٹرائی کر لیتے ہیں. پھر میں اس چینل میں گئی اور وہاں سے بس ہوتے ہوتے آئی تھنک ود ان 6 to 8 months مجھے اقرار بھائی کی کال آئی, اقرار الحسن کی, کہ وی آر ہائرنگ اینکرز تو آپ انٹرسٹڈ ہوں گی. تو میں نے کہا میں آ جاتی ہوں. میں اس پہ ایک اور چینل پہ میں نے ایک یا دو مہینے نیوز پڑھی تھی. اچھا, وہاں سے میں اے آر وائی آئی اور پھر اے آر وائی سے سفر آگے بڑھا. لیکن بس میں کہتی ہوں اسکولنگ میری ساری اے آر وائی کی. اچھا, اگر میں آپ سے پوچھوں دونوں سے یہ سوال ہے کہ آپ کے اندر باپ بن کے کیا چینجز آئے اور آپ کے اندر ماں بن کے کیا چینجز آئے, کیسی پرسنالٹی کیسے مختلف ہو گئی آپ دونوں کی؟ پہلے سے کہ دا مومنٹ آپ جب اپنے بچے کو گود میں اٹھاتے ہو تو آپ کی پرسنالٹی تھوڑی چینج جاتی ہے, آپ کو تھوڑا رسپانسبل فیل کرنا شروع کرتے ہیں آپ, اور آپ کے اندر نا بہت ساری فیلنگز ایک ساتھ ایوالو کری ہوتی ہیں. تو میں وہی, میرا بھی دوست ہے اس کی بھی بیٹی ہوئی, تو میں نے اس پہلے سوال کیا ماشاء اللہ, تو میں نے کہا کہ کیسی فیلنگس تھیں, تو کہتا ہے یار آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو وہ ایک ٹرانزیشن ہوتا ہے, اسی مومنٹ میں آپ ایک ڈفرینٹ پرسن ہو جاتے ہو اور رسپانسبل ہو جاتے ہو اور آپ بات کرتے ہو سوچتے ہو, آپ کے ذہن میں نا بیک آف مائنڈ ہر چیز اب کیلکولیٹر پہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ. پہلے تو آپ سوچتے نہیں جو دل چاہتا آپ کر رہے ہوتے ہو, تو پرابلی شاید بیٹی کا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں بیٹی کی پیدا ہونے سے زیادہ آپ کی چینج ہوتی ہے پرسنالٹی بیٹے سے امپیکٹ, تو مجھے خاص طور پہ بیٹی کے واسطے زیادہ ہوتی ہے, تو زیادہ رسپانسبل فیل کرتا ہوں. مطلب بس یہ ایک چیز جو سب سے میجر چیز ہے. میں تو شاید ندا بہت سینسیٹیو ہو گئی ہوں جب سے بیٹی ہوئی, میرے کام میں بھی, مطلب میری جتنا میرا وہ جرنلزم کا کیڑا ہے اندر وہ بھی نا ایک اس نے, میں اس ڈائریکشن پہ چلی گئی ہوں کہ اب جتنے یہ خواتین سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں میں اس میں بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں. اب جی یہ انابیا, یہ میری امی اور ابو نے ایک انابیا عبید کے نام سے پورا بریسلیٹ دیا تھا, تو یہ عقیقے کی پکچر ہے. ہم نے انابیا کی پکچر کسی کو بھی نہیں دکھائی ابھی تک, ابھی تک بیٹی کو کسی نے نہیں دیکھا, کیونکہ جب میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی نا تو میں 6 months پریگننٹ تھی جب میں رمضان ٹرانسمیشن بھی کی ہے اس دوران بھی, تو مجھے بس ایک خاتون آئی آڈینس میں سے, اس نے کہا بیٹا تو ماں بننے والی ہو, حالانکہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا ٹرانسمیشن میں کہ میں پریگننٹ ہوں. انفیکٹ اٹ واز ویری ارلی ڈیز آف مائی پریگننسی, تو مجھے بس ایک عورت آئی بالکل آڈینس میں سے اٹھ کے, اس نے کہا بیٹا بیٹی کو نا سنبھال کر رکھنا بہت بری نظریں لگتی ہیں. وہ میرے دماغ میں ایسی بات بیٹھ گئی اور پھر میں نے عبید سے بھی ڈسکس کیا, میں نے کہا میں انابیہ نہیں دکھاؤں گی کسی کو, نظر نہ لگے. اور آپ کو پتا ہے پھر وہ پکچرز جو ہر جگہ چلی جاتی ہیں, تو میں چاہتی ہوں یہ انابیہ کا اپنا ڈیسیجن ہو کہ اس نے ٹی وی پر آنا ہے یا اس نے سوشل میڈیا پر جانا ہے یا نہیں. میں کیوں ایک بچی کے بغیر فیصلے کے یا میں اور عبید اس کو ایکسپوز کر دیں, کیونکہ ایک نارمل کوئی ماں باپ اگر اپنی اس بچے کی تصویر لگاتے ہیں وہ ان کے سرکل میں رہتی ہے, نہیں تو ہمارے بچوں کی تصویریں تو پھر سب کے وائرل ہو جاتی ہیں. ابھی بھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے, جیسے میں تو اس وقت اتنا, میں بھی تھوڑی وہمی تھی, میں اتنا شیئر نہیں کرتی تھی, لیکن یاسر بہت شیئر کر رہا تھا, تو یاسر ہر وقت بلاج کی خاص طور پہ تصویر نا ہر وقت جو نئے کپڑے پہنائے ہیں کچھ کیا تو وہ لگا رہا تھا, تو بلاج نا بیمار ہونا شروع ہو گیا. پھر میں نے اس کو بولا خدا کے لیے بس کر دو سناپ چیٹ اور یہ تم لگا دے, تو پھر اس نے لگانا بند کیا, کیونکہ واقعی بچوں کو اچھی بری سب ہوتی ہیں. تو ہم تو شاید لکڑ ہضم پتھر ہضم ہو گئے, ہمیں نہیں کچھ ہوتا, لیکن میں چاہتی ہوں یہ انابیا وین شی گروز اپ اس کا اپنا ڈیسیجن ہو کہ اس نے اپنے سوشل میڈیا کو کیسے یوز کرنا ہے, اس نے ٹی وی پر آنا ہے, اور اگر اس کا ڈیسیجن ہوگا تو سو بسم اللہ وہ ضرور آئے, لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں پہلے سے اس کی پرائیویسی کو ایکسپوز کر دوں لوگوں کے لیے. سو یہ بس ایک ہمارا ڈیسیجن ہے. ریما آئی ہوئی تھی میرے شو میں, تو میں نے ریما سے پوچھا آپ کیوں نہیں لگاتی بیٹے کی تصویر, تو اس نے انہوں نے مجھے یہی ایگزیکٹلی ریزنز بتائے کہ میں نہیں چاہتی یار کہ میں اس کی مرضی کے بغیر وہ کر دوں, اور مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ میں بہت بہنی ہوں کہ نظر نہ لگے. میں نے اکثر دیکھا ہے ماں باپ اپنے بچوں کی تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں اپنے سادے سے 3 shots ہیں, مگر بچے کے منہ پہ اسمائلی فیس لگا دیا. میں نے کیا ایک ایسا ایک آدھ جگہ پہ میں نے کہا اوکے یہ دکھا رہے ہیں دبئی میں, یہاں کے مالز میں بہت سارے لوگ جب ملتے ہیں پکچرز کے لیے تو میں انابیہ کو پیچھے کر دیتی ہوں, تو کہتے نہیں اس کی پکچر کیوں نہیں, کہتی میں نے نہیں لگائی ہے اس لیے میں نے نہیں دے رہی. تو خیر لوگ بہت اچھے ہیں, رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اس بات کی, تو کبھی کچھ پرابلم نہیں. ایک بریک, بریک کے بعد ہم دکھائیں گے آپ کو انم کے رابیہ, دیکھو میں انم دونوں گھر والے انم کہتے ہیں, دیکھیے میرے منہ پہ بھی وہی نام, رابیہ کی سلون کی کچھ دلہنیں جو یہاں پہ بھی تیار ہوں گی اور تیار ہو کے بھی, مطلب تیار کر کے بھی لائیں, تو آپ کو ہلکا سا گلمپس دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں کیسا میک اپ ہوتا ہے. کل
लॉन्च है इनकी ब्रांच जो पूरी रिवैम्प होके पूरी पूरे रेनोवेशन के बाद जो है वो ओपन हो रही है और उसका लॉन्च है बुखारी पे है इस पे आप भी आएंगी यासिर भाई भी आऊंगी लेकिन सर्विसेज सिर्फ आपको मिलेंगी यासिर भाई को नहीं वो बाहर खड़ा मुझे देखता रहेगा इंशाल्लाह मुझे पिक एंड ड्रॉप करने तो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान राबिया और उबैद के साथ राबिया अनम हमारे साथ उबैद अपने हस्बैंड के साथ उबैद अभी गए जरा जरूरी काम से लेकिन अभी यहाँ पे खवातीन का काम हो रहा है तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राबिया के सैलून की ब्राइड्स और राबिया अनम सैलून अब इन्होंने नाम कर दिया राबिया अनम सैलून एंड स्पा राबिया अनम सैलून एंड स्पा जिसकी कल इनॉग्रेशन है लॉन्चिंग है और यहाँ हम आप पहले ब्राइड्स की वॉक दिखाएंगे या हम शुरू करेंगे मेकअप मेकअप शुरू करवा देते हैं मेकअप शुरू करते हैं ये बेसिकली हम एक ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं अच्छा समन है और ये है मेरी मैनेजर भी और मेकअप हेड भी साइमा सो ये माशाल्लाह सारी ब्राइड्स का देखती हैं मैं कंसल्टेंसी करती हूँ तो अभी सिर्फ हमने फाउंडेशन हल्की सी डन की है अच्छा। और अभी हम आईज मेकअप आपको दिखाएंगे अभी सबको इस वक्त होता है कि ग्लिटरी आईज तो मैं आपको दिखाऊंगी अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीजें ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स हैं तो जो जो साइमा चीजें लगाएंगी मैं आपको दिखाती रहूंगी लेकिन निदा अभी जितने हमारे पास काफी फुल सीजन है ये दिसंबर तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ज्यादा ब्राइड्स होती हैं तो स्किन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपने अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना है आप कैसे रखते हैं अपनी स्किन का ख्याल अच्छा सबसे पहले तो ये कि बहुत सारा रोज वाटर अच्छा अगर आपको ऑर्गेनिक मिल जाए जो असली रोज वाटर होता है जो कुछ कंपनीज का मिला बना हुआ बॉटल्स में मिलता है वो ना यूज करें आपको किसी पंसारी से और अच्छी जगहों से आपको फ्रेश रोज वाटर मिल जाएगा आप घर में भी बना सकते हैं बड़े इंटरनेट पर तरीके हैं वो ले लें या कहीं से भी ऑर्गेनिक रोज वाटर लें मैं एटलीस्ट दिन में 7 से 8 दफा वो छिड़कती हूँ अच्छा, यानी जब आपने फॉर एग्जांपल वजू किया तो वो तो हो ही गया ना तो वजू के साथ आप उसको छिड़क दें बाद मॉइस्चराइज हो जाएगा हाँ वो इतना अच्छा आपकी स्किन को करता है दे रही है अच्छा लोग क्या करते हैं 3-4 दिन किया कोई फर्क नहीं आ रहा रोज वाटर आप 3 महीने लगाएं रोजाना चेहरे पर और आप देखें कि उससे आपकी स्किन क्या होती है फिर सबसे इम्पोर्टेंट इज योर मॉइस्चराइजिंग अच्छा मॉइस्चराइजर लें वाटर बेस्ड ऑयल बेस्ड ना लें और रोज रात को अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें अच्छा यानी आप कोई कंपनी है जिसको तुम रेकमेंड करना चाहोगे बहुत सारे हैं आजकल तो बाहर के बहुत सारे शनैल का बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइजर है अच्छा वो आप यूज कर सकते हैं मैं करती हूँ सिफोरा के आते हैं सिल्वर और बहुत सारे उसमें जिसमें हल्का सा पिगमेंट भी होता है अच्छा मैं उससे मॉइस्चराइज करती हूँ तो आप लोग वो भी कर सकते हैं मॉइस्चराइज उससे थोड़ी ग्लो आ जाता है स्किन के अंदर हर वक्त रहता है ग्लो तो वो आप कर सकते हैं मॉइस्चराइज और आप रेगुलरली फाउंडेशन ना लगाएं जैसे अच्छा। कोई ऑफिस गोइंग लड़कियां हैं बीबी क्रीम्स आ गई हैं आप बीबी क्रीम्स लगाएं आजकल पूरे पूरे मेकअप्स बीबी क्रीम्स पर हो रहे हैं बिकॉज वो हैवी नहीं होती हैं कुछ नहीं होती तो आप वो लगा सकते हैं और मेकअप के साथ कभी मत सोएं अगर आपने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा कोई दुश्मनी अपने आप से करनी है ना तो वो है कि आप मेकअप के साथ सो जाएं आप जैसे ही सोते हैं ना आपके पोर्स रिलैक्स हो जाते हैं रिलैक्स मतलब आपके पोर्स खुल गए कभी कभार तो ऐसा तो मुझे रात की नींद नहीं पूरी हुई होती तो मैं यहाँ से जाती हूँ हिम्मत भी होती मेकअप उतारने की और मैं कभी सो जाती दोपहर देखिए वाइप्स जो है ना बड़ी दुश्मन है आपके चेहरे की वाइप्स यूज नहीं करनी चाहिए वाइप्स अच्छा। आपके बहुत जो स्किन की सेंसिटिव चीजें हैं वो हटा देती हैं तो या तो वाटर वाइप्स यूज करें जो सिर्फ वाटर बेस्ड होती हैं उसमें कोई केमिकल नहीं होता वो महंगी मिलती हैं लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आप कोई अच्छा सा मेकअप रिमूवर लेके और फेस वॉश कर लें या ऑयल सेव कर लें जो ऑलिव ऑयल होता है उससे आप चेहरा साफ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल बेहतरीन है आपकी स्किन के लिए आप कोकोनट ऑयल से अपना चेहरा साफ कर सकते हैं लेकिन चेहरा साफ करके सोएं बिकॉज आप जैसे ही सोए आपके पोर्स खुल जाएंगे मेकअप अंदर चला जाएगा और आपके पोर्स के अंदर वो जमा होना शुरू हो जाएगा मेरे इतने दाने दाने निकल रहे इतने लंबे रहते हैं आप मेकअप के साथ सोएं विद इन 3 डेज आपके चेहरे पर दाना निकल आएगा और वो दाने नहीं होते वो बेसिकली आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं तो उससे ये होता है फिर उसका सिर्फ ये हाल है कि आप फेशियल करवा के उसको निकलवाएं और वो भी एक फेशियल से नहीं निकलता तो हमारे पास तो आती हैं ब्राइड्स लेकिन उनकी सर्विसेज में हो जाता है फेशियल्स वगैरह तो उनकी स्किन अच्छी हो जाती है लेकिन जितनी लड़कियों की शादी हो रही है निदा उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो इस वक्त अपनी स्किन का ख्याल रखें 3 लीटर पानी पिएं 3 लीटर पानी दिन में हर हाल में पीना और तो जब दुल्हन आपके पास आती है मेकअप की अपॉइंटमेंट्स के लिए आप उनको सारा गाइडलाइन देती हो जब वो बुकिंग के लिए आती है ना मैं उसी वक्त बता देती हूँ कि देखो मैं
ये लड़की तुम्हारे चेहरे के ऊपर बहुत खूबसूरत सब कर देगी, असल तुम्हारी स्किन है तो उसका सही करो. फिर जिनका एक्नी और सबका इशू होता है वो तो ज़ाहिर रियल इशूज़ हैं, फिर उसका एक लंबा प्रोसीजर है वो हो जाता है. तो अभी हम सॉफ्ट कॉर्नर के साथ साइमा सॉफ्ट कॉर्नर के साथ हम आई मेकअप कर रहे हैं. अच्छा. और यंग जो ब्राइड्स हैं उनके ऊपर ये मेकअप अच्छा सूट करता है. इस अमन बहुत प्यारी भी हैं और ये हम दिखाएंगे कि जो लड़की यंग जिसकी शादी हो रही है उसके लिए बहुत डार्क मेकअप ना हो. ऐसा ही हो क्योंकि हो क्या रहा है कि लड़कियां चाहती हैं कि हैवी ड्रेस हो, फिर मेकअप भी हैवी हो और ज्वेलरी भी हैवी हो. इसमें ड्रेस भी हैवी है, ज्वेलरी भी हैवी है, लेकिन हम मेकअप थोड़ा सा लाइटर उसमें रखेंगे. बाकी भी जो ब्राइड्स आएंगी फिर हम उसका आपको दिखाएंगे कि मेकअप क्या है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हैवी मेकअप करें, आप लाइट मेकअप विद वेरी हैवी ज्वेलरी एंड ड्रेस किस तरह फ्लॉन्ट कर सकते हैं वो आपको दिखाएँगे. सो सायमा हम कौन सा यूज़ करें शेड्स? अच्छा एनेस्टेसिया मुझे दिखा दो. ये एनेस्टेसिया के बेवरली हिल्स के ये पिगमेंट्स वाले निदा आई शैडोज़ हैं. सब आप दुबई से सब मैं भर भर के लेकर आती हूँ वहाँ से. तो हमने इसका सिंडर यूज़ किया है और साथ में हम डिस्टोपियन से जो है ना उसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं. कौन से शेड्स? एक तो हमने ये यूज़ किया ये वाला, हाँ, प्यारा इसके साथ ये भी मिक्स किया और हल्की सी ब्लेंडिंग इसके साथ भी कर रहे हैं. तो ये बहुत प्यारे शेड्स हैं. इससे घर में जो लड़कियाँ यूज़ करें वो इससे ब्लेंडिंग कर सकती हैं. जो ब्राउन में थोड़ा डर लगता है ना, ब्राउन और ब्लैक से ब्लेंडिंग, तो इससे बहुत अच्छी ये वाले से. एक मिनट, ये वाला? हाँ ये वाला. मैं ये आपको हाथ पे लगा के दिखाती हूँ. ये देखें इसका ये पिगमेंट है, इसका ये देखें ये पिगमेंट कितना प्यारा है. सो इससे जो शिमर आंखों पर आता है ना वो बहुत खूबसूरत है. और ये कह रही हो आप कि इससे ब्लेंडिंग, भी बहुत अच्छी हो सकती है आपके आईज के कॉर्नर में. तो पहले आप उससे करें और फिर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं. अच्छा आप मुझसे पूछ रही थी मैंने कौन सा हाइलाइटर लगाया हुआ है ब्रेक में. सो ये है हुदा ब्यूटी का 3D हाइलाइटर. इसमें ये क्रीमी है हाइलाइटर और तीन जो है वो पाउडरी हाइलाइटर्स हैं. सो सायमा ने मुझे और हमेशा लगाती है ये तीनों मिक्स करके लगाती है. अच्छा लोगों को लगता है कोई एक लगा होगा, तीन जब मिक्स हो जाते हैं. ये थोड़ा गोल्ड में है, ये हाइलाइटर सिल्वर वाला है और ये पिंक है. जब तीनों मिक्स होता है ना तो एक अलग शेड निकल कर आता है. क्योंकि आप यूजुअली लगाती हो थोड़ा बहुत? हाँ मैं लगाती हूँ, मैं हमेशा. मैं तो मेरे गाल मोटे ज्यादा लगने लगते हैं पर ये इतने अच्छी तरीके से लगाती किस पे सूट करता है. क्रीमी हाइलाइटर्स थोड़ा सा आपको हैवी दिखाते हैं. हाँ. तो आप जब टीवी पे कर रहे हो तो ज़्यादा फिर यूज़ करें कि पाउडरी हो हाइलाइटर हाँ. और थोड़ा सा चीक बोन से नीचे हो. वैसे तो चीक बोन के ऊपर लगाते हैं लेकिन थोड़ा नीचे लगाएं ताकि वो नहीं लोक आए. और जब आप वैसे नॉर्मल जो हमारी दुल्हनें होती हैं उनको तो हम भर भर के हाइलाइटर्स लगाते हैं. कौन सी अच्छा लगता है? हम नार्स लगाते हैं और फेंटी ब्यूटी लगाते हैं. अब ये मेरे पास फेंटी ब्यूटी की बहुत अच्छी है. मैं खुद भी फेंटी ब्यूटी यूज़ करती हूँ. ये रिहाना जो फेंटी ब्यूटी का है ये उसके फाउंडेशन है. और रिहाना ने जो फेंटी ब्यूटी का लॉन्च किया है मेरे ख्याल में हुदा के बाद रिहाना इज़ द ओनली वन जिसने हर स्किन शेड को अच्छा समझते हुए और लोगों को बताते हुए कि अपने स्किन शेड की फाउंडेशन लगाएं. उसने हर स्किन शेड की फाउंडेशन लॉन्च की है फ्रॉम द लाइटेस्ट स्किन टू द डार्केस्ट स्किन. तो माशाल्लाह उसकी इतनी अच्छी फाउंडेशंस हैं वो. अच्छा. पूरा हमने और वो काफ़ी ऑब्वियसली उसके जो पूरे फाउंडेशन का एक बैज होता है वो कई लाखों का आता है. अच्छा तो हमने वो पूरा लिया ताकि हम ये ना करें कि जो स्किन टोन है हम उसी स्किन टोन की फाउंडेशन लगाएं. मैं तो बाकायदा बहस करती हूँ दुल्हनों से कि ये मत कहना कि मुझे गोरा दिखना है. तुम इतनी खूबसूरत हो जैसी हो वैसा ही लगाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा. और यकीन करें एंड रिजल्ट अच्छा आता है. तो अगर अच्छी प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ तो दुल्हनें फिर खुश भी होती होंगी कि यार शादी पे मैं दिखाती हूँ. ये सारा प्रोडक्ट मैं सामने रखती हूँ. हमारा कोई ये नहीं होता कि मैं पीछे से कोई निकाल के चीज लगाऊं या कुछ करूं. ये सब जब दुल्हन आती है सब प्रोडक्ट सामने होता है जैसे यहाँ पर है और उसके सामने लगता है तो लड़की को भी खुशी होती है. लैशेज कौन सी अपने? अच्छा ये लिली लैशेज हैं. आई थिंक ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट लैशेज लिली लैशेज. तो ये लिली लैशेज इनको लगी हैं. मैं यहाँ पे दिखाती हूँ मलका आपको ये लैशेज. ये सब सारी चीज़ें तुम खुद खरीदारी? ये मैं खुद खरीदारी करती हूँ पर्सनली जाकर सेफोरा पे. ये आप गुशा मुझे खोल के दें. तो ये लिली लैशेज सेफोरा से ही मिलती? सेफोरा से आपको नहीं, लिली लैशेज आपको वेबसाइट से ऑर्डर करनी पड़ती हैं. अच्छा. तो ये फिर पाकिस्तान में वो नहीं भेजते हैं. तो मैं दुबई वाले एड्रेस पे मंगवाती हूँ फिर यहाँ लेकर आती हूँ. तो ये लिली लैशेज हैं, बड़ी ज़बरदस्त होती हैं. ग्लू सबसे इंपॉर्टेंट है, लैश ग्लू कौन सी होनी चाहिए. तो मैंने और सायमा ने तो आई थिंक कोई 15 करोड़ लैश ग्लूज ट्राई की हैं. हुदा से बेहतर लैश ग्लू कोई नहीं है. हुदा ब्यूटी की जो लैश ग्लू आई थिंक इट्स द बेस्ट. हमारे पास यहाँ भी पड़ी भी होगी. ये रही
This is the Huda Beauty Lash Glue. It's the best lash glue. अच्छा. नहीं निकलती. मैंने रमजान ट्रांसमिशंस में सुबह से रात तक लगी होती थी. खिलती नहीं अपनी जगह से. So it's the best. So I think सारी बातों की एक बात ये कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो एंड रिजल्ट अच्छा आएगा. अच्छा. आप ये नहीं कह सकते कि मेकअप आर्टिस्ट जबरदस्त हो तो वो हाँ ये आप खोलें तो निकल जाएगी. अच्छा अभी वो चिपका दिया है. वेरी ब्यूटिफुल लैश और इसमें सब साइजेस इसके जैसे विंग वाली भी है नेचुरल भी है हर तरह की लैशेज ये मिल जाती हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ये पोर प्रोफेशनल ये फाउंडेशन से पहले लगता है बेनिफिट का. आई थिंक ये सबसे बेहतरीन है. ये हर बंदे को यूज करना चाहिए. मैं आपके हाथ पे लगाऊंगी आपको पता चलेगा. मुझे थोड़े दाने हो गए इससे. हाँ ये बेस के साथ देते हैं ना कभी वो करने के लिए. आप ये देखें और इसके ये आप लगा मिनिमाइज कर हो जाते हैं पोर्स इससे. हाँ ये आपका ना पूरा एक प्राइमर है. अब आप अपनी स्किन पे हाथ लगाएं. हाँ सॉफ्ट हो बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है. तो अगर ये मेकअप से पहले हम लगाते हैं तो ये बहुत फील अच्छा आ रहा है. वेलवेटी फील आ रहा है बहुत. तो हमने ये ब्राउन से इसके सिर्फ कॉर्नर्स किए हैं और इसमें एक ये गोल्ड शेड हमने लगाया है. अच्छा जो मैंने आपको एनेस्थेसिया का दिखाया था. अब जो लाइनर है उससे हम इसकी पूरी ब्लेंडिंग करेंगे. हाँ ठीक है. अच्छा और क्या चीज़ है अगर मैं दिखाऊं. अच्छा ये देखें कितने ज़बरदस्त पिगमेंट्स हैं. ये नेक्स्ट के पिगमेंट्स हैं. मुझे नहीं पता सायमा ये लगाएंगी या नहीं. ये देखो मतलब आपका दिल खुश हो जाता है ये देख के. लोग यही आके दिखते हैं. क्लाइंटल इसी तरह बनती है कि और ये देखें ये जो प्रोडक्ट्स है ना उसमें से आई थिंक ये 10% भी नहीं है. और ये कितने ग्लिटर्स हैं. सायमा मेरी जान अजाब करके रखती है. मैं आपको बताऊं निदा ये इतनी फरमाइशें करती है मुझसे. जो नया कुछ लॉन्च होता है कहती है राबे मैम प्लीज वो ला दे मुझे. वो वाली चीज भी ला दें. और फिर मुझे खैर खुशी भी होती है जब ये दुल्हनों पे लगाती है और दुल्हनें प्यारी लगती हैं तो मजा आता है. और फिर लिपस्टिक्स कौन सी ब्रांड की आप लोग यूज़ लिपस्टिक मेरे इस वक्त जो सबसे फेवरेट चल रही है मैं आपको दिखाती हूँ. दो एक तो ऑब्वियसली हुदा की. मैं हुदा के बहुत प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ पर्सनली भी और ब्राइड्स के लिए भी. हुदा के अच्छे होते हैं. बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं. ये मार्क जेकब्स की है. ये मेरी आजकल बहुत फेवरेट चल रही है. रेड. अच्छा किसी भी कलर में मार्क जेकब्स की बहुत अच्छी हैं. अच्छा काइली. काइली की भी. यस काइली अमेजिंग. मैंने काइली की जो अभी लॉन्च हुई थी कुछ महीने पहले उसकी सारी मंगवाई हैं. तो इसकी लिप पेंसिल्स भी साथ होती हैं और लिपस्टिक्स यानी कि ये लिप ग्लॉसेस भी साथ होते हैं. ये स्टे करते हैं मिनिमम कोई 8-9 घंटे आराम से. बिल्कुल नहीं उतरेंगे आपके. और दुल्हनों का तो आपको पता है ना कि वो नत होती है या कुछ चीज होती है लिपस्टिक यहाँ लग गई ये बिल्कुल नहीं खराब होती. तो ये काइली की है. अच्छा एक सबसे बेहतरीन जो इस वक्त आई हुई है फेंटी ब्यूटी की स्टना लिप पेंट. ये मैं भी बहुत सो गुड कि मैं आपको बता नहीं सकती. बहुत ही जबरदस्त है. मजा आता है. आप कितने घंटे तक गुजार लेती हो सफोरा में. उबैद बेचारा स्ट्रॉलर ले के भाग रहा होता है. अनाबिया को अनाबिया भी बहुत खुश होती है. ये देखें मेकअप उसका टेक्सचर देखें कितने मजे का. सो दिस इज फेंटी ब्यूटी. आई थिंक इस वक्त बेस्ट टू मुझे काइली लगता है. काइली का स्टे बहुत ज्यादा है. फेंटी का जो वो है वो थोड़ा सा लिक्विडी ज्यादा है तो वो थोड़ा इधर उधर कभी हो भी जाता है. लेकिन मैं पर्सनली यूज फेंटी करती हूँ बहुत ज्यादा क्योंकि ब्राइड्स पे हुदा स्टे करती है. फेंटी ब्राइड्स पे हुदा और काइली दोनों का कॉम्पिटिशन होता है कभी कोई. और शेड्स भी दोनों आपको पता है सेम ही तकरीबन निकाल रहे हैं. तो ये तो तकरीबन जो है ये. सो फेंटी ग्लिटर लगा रही हूँ इनर कॉर्नर पे. मैंने इसे दोनों गोल्ड एंड सिल्वर दोनों गोल्ड एंड सिल्वर गोल्ड एंड सिल्वर मिक्स किया है. क्योंकि आप ये देखें कुंदन ज्वेलरी है तो इसमें जरा सा कुंदन में सिल्वर टच आता है. और ये बड़ा प्यारा ड्रेस है खतीजा करीम का. तो ये देखें ये उतर नहीं रहा टिशू से. यही तो प्रॉब्लम होती है ना ब्राइट्स की लिपस्टिक गायब हो जाती है बीच से. ये मैंने एक फौरन लगा के भी उतारने की कोशिश की है ना तो इसका कलर रह गया. और अभी भी मुझे पता लिप टिंट है यहाँ पर या नहीं. लेकिन मैं लिप टिंट्स बेस्ट रहने दो. आप तो मतलब अपने स्टॉक में रख लें. वो लिप टिंट्स आप यहाँ भी लगा सकते हैं यहाँ भी लगा सकते हैं यहाँ भी लगा सकते हैं. कौन सी लगाते हो. बेनेटिंट. बेनेटिंट बेनिफिट की बेस्ट होती है. कुछ पाकिस्तानी भी अभी लड़कियाँ टिंट्स बनाना शुरू हुई हैं तो वो अभी बस कुछ होता है ना टेस्टर हो रहे होते हैं. मैं तो बहुत पाकिस्तान की लड़कियों के चेक करती हूँ कि कौन कौन से ऑनलाइन चेक कर रही होती हूँ ऑनलाइन फेसबुक ग्रुप्स पे हर जगह. तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि यहाँ की लड़कियाँ बनाएं अच्छे मेकअप ताकि हम यहाँ के खरीदें तो अब अच्छे मेकअप्स होते हैं. अच्छा हाईलाइटर कौन सा लगाया है साइमा. एनेस्थेसिया का. ठीक है तो एनेस्थेसिया का एक हाईलाइटर ऊपर लग गया.
आईब्रोज के नीचे जब हाइलाइटर लगता है ये वाली जगह बहुत अच्छी पिक्चर्स में दिखती है. सो बहुत खूबसूरत लगता है. सो ये देखें बड़ा सटल मेकअप है, बहुत ज्यादा नहीं. और ब्लश ऑन्स कौन से इस्तेमाल करते हो? ब्लश ऑन्स नार्स के भी हैं. ये है टार्ट का. ये कितना बहुत जबरदस्त है, बहुत खूबसूरत शेड है. ये शिमरी है या मैट है? ये मैट है. ब्लश ज्यादा कोशिश यही कि मैट हो, मैट हो, मैट हो, क्योंकि शिमरी से कोई वाला थोड़ा फेस हैवी लगना शुरू हो जाता है. तो टार्ट के बहुत जाते हैं उसके, मैक के ब्लश ऑन्स बहुत जबरदस्त हैं. अच्छा, और मुझे लगता है कि राबिया के पार्लर जाके मुझे सारे मेकअप चेक करने पड़ेंगे. ओह यस, कि आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे. वैसे भी आपको मेकअप मंगवाना मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ला लाकर वहां से दे दूंगी. ये खोल के देना मुझे. एक तो ये नाखूनों ने हमारी जिंदगी, ये मेरी उसके बगैर अच्छे भी नहीं लगते. सलोन की जो नेल एक्सपर्ट है अमरीन, उसने कल मेरे नेल्स किए और मुझे कल से लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ जिंदगी में. हाँ, वो ये जो है ना, ये सबसे खतरनाक हाइलाइटर ये है. ये कौन सा है? फेंटी ब्यूटी का ही है. और ट्रॉफी वाइफ कहते हैं इसे. अच्छा, ओह माय गॉड, ट्रॉफी वाइफ. दिस इज आई थिंक सब दुल्हनों के लिए बेस्ट है. बेस्ट. तो ये हम पिक्चर्स के वक्त नहीं लगाते. अच्छा, जब पिक्चर्स हो जाती हैं उसके बाद लगाते हैं. जो लाइव आप दुल्हन को देखें ना तो सबसे खूबसूरत ये लगता ये है लगे. लेकिन पिक्चर्स में ये ज्यादा लगता है. हाँ. तो फिर हम इसको हल्का लगाते हैं. अच्छा, ताकि पहले पिक्चर्स में हम ना लगाएं. तो ये बहुत जबरदस्त है, इसका स्टे भी बहुत लंबा है. ये तो ऐसी चीज है कि मैं अगर सिर्फ ये हाइलाइटर और टेंट लगा लूं तो पूरा मेकअप लगता है. पूरा मेकअप लगता है विद एनी बीबी क्रीम. और कॉन्टोर किससे करते हो फिर तुम? कॉन्टोर के लिए भी बहुत सारे शेड है. ये नैना आप मुझे दीजिएगा. अच्छा, कॉन्टोर की सबसे बेस्ट किट ये है, एल्फ की है ये. हाँ. कॉन्टोर पैलेट, इसमें चारों शेड्स हैं, लाइट टू डार्क. तो आप थोड़ी ट्रांजिशन में लगे तो फिर अच्छा लगता है. ये बताती है जाके मुझे ये ला के दो, या तुम भी जाके सफोरा पे फिर पता करती हो? अक्सर ये होता है कि ये जो चीजें बताती हूँ मैं ले चुकी होती हूँ. मैंने ले लिया. ये तो बेचारी मुझे डर डर के चार पांच चीजें बताती है. मैं बहुत सामान लाती हूँ. तो रिसर्च कहाँ से करती हो कि कौन सी चीज लेनी है, या खुद जा? आई थिंक मैंने इतने पेजेस फॉलो किए हुए, मैं इतना इन हूँ फिर सफोरा की, मैं इतनी बड़ी बायर बन गई हूँ कि वो खुद बताते हैं कि ये चीज नहीं आ रही है. अच्छा, बड़े डिस्काउंट भी मुझे मिल जाते हैं, गिफ्ट बैग्स भी मिलते हैं. तो वो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं. ये एक बहामा मामा का है, ये बहुत ही अच्छा है, बाम का. अच्छा, सो ये एज अ ब्रॉन्जर भी यूज हो सकता है. हाँ. और ये एज अ कॉन्टोर भी यूज हो सकता है. लेकिन ये एक ऐसा शेड है जो नॉर्मली जब लड़कियां करें अपने घर में मेकअप तो करें, बिकॉज ये बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है. अच्छा, वरना वो आप कहीं बाहर जाएं तो आपका कॉन्टोर दिख रहा होता. हाँ. है. तो ये एक ऐसा शेड है और छोटा भी बहुत है, कॉम्पैक्ट है, तो आप ये पर्स में रख सकते हैं. सो ये जबरदस्त है. अब दिस इज अ वेरी वेरी गुड डियोर का ब्लश. दिस इज माय पर्सनल फेवरेट. ये मैंने आई थिंक कोई 6-7 खत्म कर दिए ऑलरेडी. हमेशा ये लगाती हूँ. वेरी नाइस, वेरी नाइस कलर. आप सामान इतना अच्छा यूज करती हो, फिर आपके पास मेकअप आर्टिस्ट अच्छे हैं, तो वो लोग तो फिर जाहिर है आएंगे. जाहिर है, चाहिए कि हमारे चेहरे पे अच्छे प्रोडक्ट्स. अच्छा, नैना निकाल निकाल के चीजें दे रही है कि ये भी दिखा. दिस इज द बेस्ट ब्रो पाउडर जो ब्राउज के लिए यूज होता है. ब्राउजिंग ये भी बेनिफिट का है. हाँ, बेनिफिट की बहुत अच्छी चीज़. इसके ये एशियन ब्राउज के कलर है. यहाँ पे सारे इम्पोर्टेड माल नजर आ रहे हैं. इम्पोर्टेड है. और ये वही सारा माल है जो वहाँ पे होता है. बस सारी दुल्हन हमारी बस पाकिस्तानी है. हाँ, बाकी सारा लेकिन बहुत प्यारी है. मेरी तो खैर दुआ है कि जितनी भी पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं, अल्लाह करे कि वो अच्छे अच्छे मेकअप्स लेके आए, हमें बाहर से खरीदना ही ना पड़े. मुसर्रत, आपने इतनी अच्छी फाउंडेशन और सारी चीजें देखी हैं ना, हर कोई तारीफ करता है. हर कोई तारीफ करता है. सस्ती भी बहुत है. जब आपको बाहर से नहीं लाना पड़ेगा तो फिर तो जाहिर है सस्ता होगा. और क्या. सो अब ये देखें, ये ग्लिटर कौन सा ग्लिटर लगा है? वही जो मैं दिखा रही थी, नेक्स का ही ग्लिटर लगा. ग्लिटरी का इसका इफेक्ट ही अलग है. आंखें बंद करो, खूबसूरत, कितना प्यारा. वो उससे जो है ना बिल्कुल ही खूबसूरत वाली. अच्छा, ये मेकअप ऐसा जो स्क्रीन पे भी अच्छा लग रहा है, और अगर मैं सामने से देख रही हूँ तो भी मुझे मजा आ रहा है देखने में. वरना अक्सर होता है कि अच्छा जी स्क्रीन पे तो चलो तस्वीरें तो अच्छी आ जाएंगी, मगर सामने देखने से आपको कैसे लग रहा होता है. अब ये जो है, ये बहुत फेमस ग्लिटर्स हैं. ये साइमा मुझसे मंगवाती है. ये H&M के ग्लिटर्स हैं जिसके हम कपड़े लेते हैं. हाँ, उनका मेकअप भी है. सो ये H&M के ग्लिटर्स हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं. इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं. मैं देखूंगा उसमें से क्या क्या दिखाऊं. ये लॉरियल के ग्लिटर्स हैं, इसका भी बहुत प्यारा पिगमेंट है. लेकिन ग्लिटर्स पे तो मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ी रिसर्च भी आप कर लेना, तब भी नई चीज मिल जाती है कहीं से भी. असल में तो ग्लिटर का पिगमेंट होता है ना, कौन सा सबसे बारीक है तो वो अच्छा लगता है. कभी थोड़ा डस्टी वाला अच्छा लगता है. सो बस अब ये रिटच होगा मेकअप, ताकि जो ग्लिटर साइड पे हुआ है वो हट जाए. अच्छा, ग्लिटर ये जो वाला जो है ये फिक्सर के साथ लगता है, ताकि झड़े ना और ब्राइट का चेहरा ज़ाहिर खराब ना हो. तो पहले एक फिक्सर लगता है, उसके ऊपर ये ग्लिटर लगता है.
और अब साइमा हम लिप पेंट कौन सा लगा रहे हैं? रेड पे जाएंगे। तो हमने ब्रेक पे भी जाना है, ब्रेक पे भी जाना है। ये कौन सा वाला लगा रही हो? ये है पाइनियर। अरे किसका है इसका, वो उतर गया है। सुपर स्टे आई थिंक, ये भी नार्स का ही है। नार्स सुपर स्टे है। तो ये और इसके साथ कोई एक और डीप लगाएंगे। ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको मजीद ब्राइड्स भी दिखाएंगे और जो तैयार ब्राइड है, मेहंदी की ब्राइड है, वो अब सब दिखाएंगे। वो हम सब दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दूल्हा भाई आ गया, अब उन्होंने कहा अब जनाना जो डिपार्टमेंट है वो दूल्हा भाई एक है, दूल्हा में बहुत है। मतलब ये सैलून में भी नहीं जा सकते और उस सेगमेंट में भी नहीं थे हमारे पास जिसमें हम ब्राइडल सेगमेंट दिखा रहे हैं। बंद होने के बाद ये फिर अंदर आ जाते हैं देखने के लिए, हिसाब किताब चेक करने के लिए बेगम कितना पैसा बनाया। जी तो आइए देखते हैं हम राबिया अनम सैलून की ब्राइड। Rabia Anum Salon and Spa.
वेलकम बैक जी. देखा आपने, ये है वलीमा ब्राइड, मेहंदी ब्राइड, शादी ब्राइड और निकाह ब्राइड. सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब निकाह पहले हो जाते हैं. मेरा और बैठ कभी पहले हो गया था निकाह शादी से, तो वो एक प्रॉपर इवेंट होता है. तो उसमें बड़ा जरूरी है कि वो पहला तो असल में ससुराल पे इम्प्रेशन हो ही जा रहा होता है. बिल्कुल. और वीडियोस और मूवीज सब में बन रही होती है. अच्छा, मुझे लगता है कि असल तो निकाह का ही इवेंट है ना. असल खूबसूरती भी उसी इवेंट की है. एग्जैक्टली. बाकी शादी वादी तो एक बड़े वो होते हैं. जो एक पर्सनल आपके लिए खूबसूरत इवेंट है वो निकाह का है. वो निकाह लड़की के लिए सबसे बड़ा दिन. अच्छा, सबसे अच्छी बात जो लग रही है ना आपके मेकअप में, लड़कियों की अपनी खुद की शक्ल वही है. आपसे ब्राइड बनने के बाद बालों को भी देखें कि बाल बस वैसे बनाएं जो आपकी नेचुरल ब्यूटी को, मतलब ये वाले जो है ना बाल यहाँ से शुरू होता है जो इतना बड़ा वाला. या आप जो है ना कोई लड़की को जबरदस्ती कहें कि तुम 40-50 हज़ार की एक्सटेंशन खरीदो तो मैं तुम्हारे बाल इतने दिखाऊंगा, तो मैं तो कहती हूँ कि जब बाद में खोलोगी मियाँ के सामने तो उसने डर जाना है. हाँ, ये क्या हुआ? ये आपको मेरे बाल अच्छे लगे, ये ले. तो इसलिए नेचुरल बालों को फ्लॉन्ट किया. और ये चारों लड़कियां माशाल्लाह वैसे भी इतनी प्यारी हैं, तो इनके नेचुरल और किसी के कॉम्प्लेक्शन से वाइट नहीं किया यार. ये एज होती है ऐसी, इतनी प्यारी लगती है. आप बेचारी दुल्हनों को उनकी एज से डबल बना देते हैं बैककॉमिंग्स और ज्यादा मेकअप्स करके. और प्लस ये अगर अच्छा प्रोडक्ट आप मेकअप यूज कर रहे हैं, ये बस एक वाइप और एक वॉश से साफ हो जाएगा. और नहीं करना चाहें तो बिल्कुल स्टे करेगा आपका, बहुत देर स्टे करेगा. जितनी लड़कियों के लिप पेंट्स लगे हैं, ये अब जब जाएंगी भी हमारी ये मॉडल साफ करने के लिए, तो इन्हें अंदाजा होगा कि ये इधर उधर नहीं होंगे लिप. हाँ. लिप पेंट्स ये इतने, इसको फिक्सर्स के साथ हम लगाते हैं। और सेम फॉर दी ये किस दिन दादा उबैद प्यारी लगती, शादी के दिन, निकाह के दिन, या मेहंदी के दिन, वलीमा के दिन, किस दिन आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत ये लगी थी तैयारी उसकी? कपड़े कोई होते हैं ज्यादा एनहांस करते हैं. निकाह वाले दिन एक था एक डिफरेंट, क्योंकि वो पहली बार इतना ज्यादा तैयार होकर देखा था. उस दिन बहुत ही डिफरेंट लग रही थी और अच्छी भी बहुत लग रही थी. इवेंट भी बहुत इमरजेंसी में बहुत अच्छा हो गया था. हमने अपना निकाह का इवेंट एक और जगह करवाया था ओपन एयर. अच्छा. और मैंने ऐसे ही वो उस पर वेदर चेक किया, तो उस दिन बारिश की प्रेडिक्शन थी. हमारे निकाह वाले दिन बहुत बारिश थी. तो समझे दो दिन पहले थैंक्स टू माय फादर. देखिया किसने चाटी. हाँ, मैंने वो कस्टर्ड की देखिया बहुत चाटी है. तो मेरे वालिद साहब ने और मेरे फादर के एक दोस्त ने, उन्होंने फिर एक होटल का पूरा हॉल बुक करवा के हमें दिया. तो वो बस लास्ट टू डेज में हमारा वो निकाह का पता ही नहीं चल रहा था. वो एक छोटा सा इवेंट एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया. इट वाज रियली गुड. उसमें आपको ये निकाह वाले दिन, यानी सबसे मेहंदी, निकाह जो है वो मेहंदी से भी पहले हो जाता है? निकाह तो हमारा 6-7 महीने पहले हो गया. अच्छा. जो इसकी बर्थडे वाले दिन निकाह था. अच्छा. जुलाई में निकाह हुआ था और फिर फरवरी में शादी हुई थी. सो इट वाज अ गुड गैप. ग्रेट ग्रेट. तो निकाह और शादी तक का पीरियड गोल्डन पीरियड था कि लॉन्ग डिस्टेंस पीरियड था? लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग का, क्योंकि मेरे उसमें फैमिली में ना एंगेजमेंट वगैरह नहीं होती, तो निकाह की तरफ ज्यादा ही फोकस होता था. निकाह निकाह करने रात दिन के एंगेजमेंट के इवेंट हो. हाँ. तो निकाह करके उसके बाद पेपर्स वगैरह. ये अच्छा हो गया था कि हमें ये पीरियड जो है ना वीजा वगैरह सब कुछ करने में इजी हो गया था. हाँ, बहुत. हाँ. तो उसको हमने इनकैश कर दिया था उसको. उसके फौरन बाद राबिया जो है शिफ्ट हो गई थी. तो वरना ये होता है लोग शादी करते हैं उसका वापस दूल्हा चला आता है और फिर दुल्हन के लिए वो पूरा प्रोसेस करना पड़ता है उसे. तो वो उससे बच गए थे. वरना इट वाज ओके पीरियड. आई थिंक इट वाज एन ओके पीरियड. मैं गई फिर मैंने वहाँ पूरी शॉपिंग की, जो घर का सामान वगैरह उबैद ने कहा अपनी मर्जी से आके खरीदो. अरे वाह. फिर हम दुबई गए. वो बड़ा एक दो दिन बड़े मजे के थे कि हम लोगों ने अपनी पसंद से सारी चीजें खरीदी. और वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग था शॉपिंग. आइकिया से जाके हमने बर्तन और छोटी छोटी चीजें. मजा आया होगा वैसे. बाकी अपने घर की चीज अपनी पसंद से. और एक काउच हमने देखा, वो अभी भी हमारे घर का सबसे इम्पोर्टेंट आपका हिस्सा काउच होता है ना, मुझे लगता है रिलैक्स करें बैठ के. वो बस मैंने देखा और मैं बैठ के मैंने कहा उबैद मुझे ये चाहिए, मुझे ये काउच. तो उससे अभी तक हमारी बहुत इमोशनल बॉन्डिंग है. हम लड़ते हैं कि कौन बैठेगा. अच्छा, मुझे ज्यादा परमिशन नहीं है बैठने की. तुम जो है सारा दिन यहाँ पे बैठे रहोगे,
स्पॉइल हो जाएगा पूरा क्योंकि ये ना पूरा यूं हाथ ऐसे रख के बैठता है तो एक तरफ से अंदर हो जाता है हर सोफा मेरे घर में भी यही होता है सोफे की एक साइड यहां से बैठे होते हैं अंदर सी भी होती है ये है बस लेकिन अच्छा वो बड़ा जल्दी गुजर गया वो वक्त और जो शादी से पहले तो खैर मैं बहुत एक इमोशनल उसमें आ गई थी मुझे था मैं चली जाऊंगी पता नहीं क्या होगा मेरा उस वक्त नया शो लेकिन स्टार्ट हुआ था तो मुझे उसकी बड़ी परेशानी थी अनाबिया के होने तक मैंने हर हफ्ते दुबई ट्रैवल किया एवरी वीक मैं जुम्मे को जाती थी और संडे जुम्मे को यहाँ आती थी जुम्मा हफ्ता एतवार शो होता था तो फिर जब अनाबिया होने वाली थी और जब फिर वो हो गए फिर ट्रैवल थोड़ा कम हो गया लेकिन तब तक बहुत ट्रैवल किया मैंने लेकिन फिर भी अभी शौक है कि मैंने दुनिया घूमनी है दुबई मुझे बस ऐसा लगता है कि वो लाहौर कराची से भी कम लगता है मुझे। हाँ। तो अब जल्दी जल्दी बस होके आ जाते हैं दो डेढ़ घंटे की फ्लाइट होती है, फ्लाइट है, हाँ। तो है लेकिन दुनिया तो भी घूमनी है वो तो हाँ। सब देखना है अभी अल्लाह भी थोड़ी सी और बड़ी भी हो जाएगी तो अच्छा है उसके साथ अच्छा है अभी तो हमने इंशाल्लाह हज का प्लान बनाया है माशाल्लाह हम रमजान करने के बाद फौरन फिर इंशाल्लाह हज की तैयारी होगी फिर बाकी दुनिया फिर उसके बाद देखेंगे अरे ग्रेट जबरदस्त बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर थैंक यू निदा मजा आया बहुत डिफरेंट शो हुआ बहुत मुबारकबाद थैंक यू फॉर हैविंग अस बेस्ट विशेस कल आपकी लॉन्चिंग है आपकी स्पा एंड सैलून की राबिया अनम स्पा एंड सैलून और मेरी दुआएं हैं कि आप बहुत और आप दोनों कामयाब हो माशाल्लाह बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया ब्रांचेस पेशावर से और आगे हर जगह इस्लामाबाद लाहौर और कराची में बहुत सारी खोलनी है असल में तो कराची दूसरे शहरों से बहुत बड़ा है हाँ। तो हमें कराची के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस खोलनी है लेकिन बस अब कल इंशाल्लाह लॉन्चिंग है और लॉन्चिंग के बाद वैसे तो हम ऑलरेडी बुक्ड हो गए तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप लोग बुकिंग करवा लें नवंबर दिसंबर हमारा ऑलमोस्ट बुक्ड है बट जिस दिन की जगह निकल आई उस दिन आप लोग करवा सकते हैं अपनी मेकअप की बुकिंग और मैं वहाँ होती हूँ अभी तो हूँ मैं काफ़ी दिनों तक तो जो कंसल्टेशन भी है ब्राइड्स की मैं वो सारी करती हूँ तो अगर आपको ये भी मुझसे आइडिया लेना है कि जोड़ा कहाँ से बनवाऊँ और फोटोग्राफी कहाँ से करवाऊँ वीडियोग्राफी तो मैं सारे आपको मशवरे अच्छा आइडिया मुफ्त मशवरे मुफ्त हैं वाओ थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक थैंक यू वेरी मच नाज़रीन बल्कि आप अपने फैन से कुछ कहें ना जाने से पहले हाँ, ये भी अच्छा, तो मैं भूल ही गई ना इतना ब्रेक आया हुआ है रमजान के बाद से तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो आज और जरूर अपना फीडबैक सब दीजिएगा और निदा का शो आप लोग देखते रहिए बहुत कम मॉर्निंग शो रह गए और निदा ने बड़ा अच्छी एक जो रिवायत रखी हुई है आप इनको सपोर्ट भी करते रहे इनको देखते हुए बहुत सारा प्यार दें निदा को और मॉर्निंग शोज को ज़रूरत है कि बहुत सारी मोहब्बत और प्यार और खलूस मिलना चाहिए क्योंकि इन मॉर्निंग शोज ने औरतों के जो सुबह है मेरी सास समेत उनको एक एक्टिविटी दी हुई है हाँ। तो जब भी आप कभी तनकीद करें मॉर्निंग शो पे तो सुबह ऑफिस जाती हैं हाँ आप सोचें कि आप 10% हैं तो 90% औरतों की जो है ना वो उनके अच्छे दिन स्टार्ट होने पर तनकीद ना करें मैं सिर्फ एक बाकी कहूंगी शादियां और मेकअप हम इसलिए दिखाते हैं यार औरतों को ये शौक है उनको लगता है उनकी एंटरटेनमेंट ये मैं इस वक्त आई थिंक जितने मेरे दोस्त हैं मेरी खानदान है हर जगह शादियां हो रही हैं हाँ। और हर जगह जब आप बैठते भी है ना तो उनकी सब बातें ये हो रही होती हैं जोड़ा कहाँ से बनवाया हाँ। मेरी दो तीन दोस्तों की इनफैक्ट शादी अगले तीन महीनों हाँ। में तो हम जब बैठते हैं ये होता है यार कार्ड कहाँ से प्रिंट होंगे हाँ। तो ये तो आई थिंक दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ से लोगों को पता चलता है आइडिया हो जाता है कि भाई क्या करें कहाँ जाएं किस तरह करें अब आप राबिया अनम सैलून एंड स्पा जाएं रिलैक्स होने के लिए मेकअप करवाने के लिए सर्विसेज लेने के लिए और फिर हमें फीडबैक दें तो हम राबिया को बताएंगे थैंक यू सो मच खुदा हाफिज अपना बहुत ख्याल रखिएगा ये सैटरडे संडे छुट्टी दिल भर के सोऊंगी मंडे को मिलूंगी फ्रेश फ्रेश गुड मॉर्निंग बाय बाय